तो लास्ट टाइम क्या करवा रहा था मैंने डॉट प्रोडक्ट आपको बताया, ठीक है। चलिए आज डॉट प्रोडक्ट से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है आपका। तो डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था कि हम लोग प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। किस तरह से डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालते हैं वो हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट में, हमने देखा। अच्छा, मैंने एक आपको ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल पता क्या आप क्या था बट उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, उनको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है, नहीं नहीं उल्टा बोल गया मैं, ऑर्थोनॉर्मल में क्या होता है, लेंथ वन होनी चाहिए। और जैसे आपको मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया, कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने आई आई कैप जे कैप के कैप, इनकी लेंथ कितनी होती है, आई कैप जे कैप के कैप की वन होती है ना। तो ये ऑर्थोनॉर्मल बोला था मैंने, अगर आपको याद हो ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बोला था, ठीक है। ऑर्थोगोनल क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लेंथ का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, लेंथ का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो लास्ट टाइम मेरे ख्याल से मैंने बताया नहीं था आपको, होमवर्क दिया। चलिए आप लिख लीजिए इसको, दोनों में फर्क है, या आप मैट्रिक्स में भी पढ़ोगे जब आप मैथ्स पढ़ोगे, ठीक है। तो आप लिखिए ऑर्थोनॉर्मल क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल क्या होते हैं। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर वो होते हैं जो एक दूसरे में परपेंडिकुलर होते हैं पर उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, वन, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश पंजाबी कुछ में उसमें भी लिखो भाई लिखो, लेकिन समझ में आना चाहिए, बस असली मकसद ये है। तो आप लिखिए ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम होते हैं जो जिनका वो वेक्टर जिनकी लेंथ वन होती है और जो परपेंडिकुलर होते हैं, और ऑर्थोगोनल क्या होते हैं, जो परपेंडिकुलर होते हैं बस। एवरी ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम, एवरी टू ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल, ठीक है, ध्यान रखिए। ऑर्थोनॉर्मल है तो ऑर्थोगोनल पक्का होगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल बड़ा बड़ा सेट है, उसी का सबसेट है ऑर्थोगोनल। चलिए भी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए और क्या होमवर्क दिया था लास्ट टाइम, और कुछ नहीं बताया था। चलिए तो शुरू करते हैं भाई, नेक्स्ट मैं डॉट प्रोडक्ट तो बता रहा था आपको, तो उसमें मैंने प्रोजेक्शन बताया कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग हमने देखा क्या था, उसके बाद मैंने बताया कि परपेंडिकुलर हम कैसे देखते हैं, दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल निकालना हो तब भी हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। दो वेक्टर के बीच अगर मुझे एंगल फाइंड करना हो, मान लीजिए ए डॉट बी, ए वेक्टर है कोई कोई बी वेक्टर है, उनके बीच में मुझे एंगल बनाना है, तो आप एक काम करो ए डॉट बी ले लो, और ए डॉट बी क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा निकल आएगा, उनके बीच का एंगल निकल आएगा, एंगल क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ये आपको पता होगा सब, ठीक है भाई, इस तरह से आएगा। एक और चीज देखिए, हम तो वेक्टर लिखते हैं ए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, मान लीजिए कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है। अब अगर मैं a का i कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो क्या है, ऑब्वियसली 2। तो यहां से देखो मीनिंग भी क्लियर हो रही है, a डॉट i कैप का क्या मतलब है, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ i कैप, और वो तो हमें पहले पता है 2, ये 2 कंपोनेंट इधर है a का, तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, ओके। तो ये लास्ट टाइम हमने ये देखा था, चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट जरा देखिएगा। तो मैंने बताया कि दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना हो तब भी हम डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट, नेक्स्ट हम लिखिए क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है भाई, या फिर इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे, ये क्या बनेगा अपना वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी ये, बिकॉज ये ज्यादातर जगह पे आपको कंफ्यूज करेगा, अभी तो सिंपल है, मतलब बेसिक तो सिंपल ही होता है, बट जरा देखिएगा मुश्किल लेवल पे जाएंगे तो थोड़ा हमें कंफ्यूज करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी जरा देखिए क्या होता है, ये होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, दिस इज ए वेक्टर एंड मान लीजिए दिस इज बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल है थीटा,
तो a क्रॉस b आएगा, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड sin sin थीटा n कैप, एक एक डायरेक्शन और आई, इसकी एक डायरेक्शन आई n कैप। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्केलर नहीं होता, ये वेक्टर होता है, और जो n कैप डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, ये देखो सीधी बात है, डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, मान लीजिए a मेरा इधर है, b मेरा इधर है, ठीक है, तो a क्रॉस b करना है तो a की तरफ अपना राइट हैंड कीजिए, अपने जो जो अपनी उंगली है a a की तरफ कीजिए और b की तरफ घुमा दो, तो जो थंब है वो क्या देगा अपने को, n कैप, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं इट इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, या फिर आप कह सकते हो द प्लेन कंटेनिंग a एंड b, मान लीजिए a और b कुछ ऐसे वर्टिकल होते, वर्टिकल प्लेन में होते इस तरह, तो a से b की तरफ हाथ घुमाओ बाहर की तरफ आता, तो n कैप जो है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में a एंड b लाई करते हैं, ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर भी आप बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि प्लेन परपेंडिकुलर जिस प्लेन में a और b लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर, ठीक है भाई, दोनों चीज सही। तो चलिए मुझे अब एक बात बताइए, अगर मैं a डॉट लूं, ध्यान से सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसकी डायरेक्शन बता दी क्या होती है, कैसे निकालते हैं a क्रॉस b की डायरेक्शन, कैसे निकालेंगे, a से b की तरफ हाथ घुमा दो तो आपका क्रॉस की डायरेक्शन आ जाएगी। दूसरा ये कहां पे यूज होता है, बहुत सारी जगह यूज होगा देखना, ठीक है, खासकर जैसे हम टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क में यूज होता है जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट है, अदरवाइज आगे जो आप पढ़ोगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट है उनको भी क्रॉस प्राइस बहुत सारी जगह पे आएगा, वो बता सकते हो कौन सी क्वांटिटी क्रॉस प्राइस पे डिपेंड करती है, कोई ऐसी क्वांटिटी जो क्रॉस प्राइस एंगल क्या दी, बोलिए, हाँ जी, टॉर्क नहीं, टॉर्क तो छोड़ो, अब कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की टर्म, इन सबसे जो निकलती है, हाँ मैग्नेटिक फोर्स नहीं, आपका जो मैग्नेटिक पोटेंशियल है ए, वो आप देखेगा, एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है, एक होगा मैग्नेटिक पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल, मैग्नेटिक फैक्टर पोटेंशियल, उसको हम ये बोलेंगे ए, वो निकलेगा देखना, वो क्रॉस प्रोडक्शन निकलेगा, और बताइए और कोई क्या, आगे देखेंगे आप धीरे धीरे पता चलेगा। तो मैंने बोला कि ए क्रॉस बी जो है वो इस तरह से निकलेगा, ए से बी की तरफ हाथ घुमाइए तो जो एन कैप आएगा, जो डायरेक्शन आएगी वो आपकी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं ए डॉट, ध्यान से समझ आप, ए डॉट ए क्रॉस बी, ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, एक दूसरे से 90 है, कैसे 90 है बताओ, क्योंकि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर आती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, और ये तो ए ही है खुद, तो इसका मतलब ए के क्या होगा, ये क्या होगा परपेंडिकुलर आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या आएगा आंसर, जीरो, समझ आया, ए डॉट ए क्रॉस बी जीरो आएगा। ऐसे अगर मैं बी डॉट करता, B डॉट A क्रॉस B तो क्या आता, जीरो, सही है भाई। चलिए आगे बढ़ो, मिक्स जरा देखिएगा, एक और बात, A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों डिफरेंट होते हैं भाई, अगर A क्रॉस B करूंगा, मान लीजिए A वेक्टर है, मैंने बोला A क्रॉस B की डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, अब इसकी डायरेक्शन ए के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ए और इसके बीच का वेक्टर जो होगा वो ए और ए क्रॉस बी के बीच का जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, 90, तो जीरो बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। एक और चीज देखिए, मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो भी एक ए और एक बी है, जरा देखिए दो वेक्टर है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ ए क्रॉस बी निकालना, ये ए है मान लीजिए बी है, ए क्रॉस बी तो ऊपर की तरफ आएगा, बट अगर मैं बी क्रॉस ए करूँ तो बी से ए की तरफ आओ, राइट हैंड का यूज कर लो, बट इस बार बी से ए की तरफ आ रहे तो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इस बार सेम नहीं होंगे जैसा कि डॉट में होते थे, ठीक है। तो आप लिख लीजिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ये आपको पता है, सारी चीजें पता है आपको, सब कुछ पता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, समझ आ गई, जबकि डॉट में ऐसा नहीं था, क्योंकि डॉट में डायरेक्शन था का पंगा ही नहीं था,
यहाँ पे डायरेक्शन का पंगा आ गया, ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पे आ गई है, तो उस वजह से दिक्कत होगी। सही, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो मैंने आपको बताया कि ये चीज क्या होती है। अगर मैं प्रोजेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना चाहूं तो मैं कैसे कह सकता हूं, अगर मैं प्रोजेक्ट जैसे मैंने कोस को समझा था, अगर मैं उसी पॉइंट से इसको देखना चाहूं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। जरा देखिए कैसे, देखिए मैं इसको कैसे समझ सकता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट को अगर मैं प्रोजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है ए इधर की तरफ, ठीक है जी, और एक वेक्टर है बी वो इधर की तरफ, और इनके बीच का एंगल है बी का। अब मैंने बोला ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका, उस मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और दूसरा क्या है मेरे पास बी साइन थीटा। तो अगर मैं बी साइन थीटा निकालूं तो बी साइन थीटा क्या आएगा बताओ, बी का बी की लेंथ है ये, तो उस लेंथ का साइन थीटा निकाल लें, अगर नीचे निकालता इसका प्रोजेक्शन तो क्या आता कॉस थीटा, बट ये वाला क्या आएगा साइन थीटा इसका, तो ये जो आएगा ये आएगा बी साइन थीटा, ये लेंथ आएगी बी साइन थीटा, लेंथ है ध्यान रखना ये, ठीक है, और ये लेंथ क्या है बताओ पूरी ये ए। इमेजिन करो कि मैं इसको पूरा कर देता, अगर मैं इसको पूरा कर देता तो एक ट्रायंगल बन जाता ये, नहीं, और ये लेंथ बनती ए, बेस होता ए, और जो परपेंडिकुलर ये वाली लेंथ होती है क्या होती बी साइन थीटा, इसका मतलब क्या बन गया ये तो एक तरह से एरिया को की तरफ जा रहा है, लेकिन एरिया में तो हाफ होता था, समझ लो एरिया में तो हाफ होता था ना भाई, एक कोई भी ट्रायंगल है उसका एरिया क्या होता है, अगर ये लेंथ मान लीजिए ए है और ये लेंथ मान लीजिए ये लेंथ बी है, परपेंडिकुलर लेंथ बी है, तो 1 बाय 2 ए इनटू बी नहीं होता था, ठीक है। अब ये देखो जरा, ये लेंथ है ए और ये लेंथ है बी साइन थीटा, तो अगर मैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल पूछूं, मान लीजिए इसकी लेंथ यूज कर रहा हूं मैं वेक्टर की, मैं सिर्फ लेंथ यूज कर रहा हूं और इसे मैंने ये मिला दिया तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, उसका अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या आएगा ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये एरिया है क्या देखो, नहीं एरिया का डबल आया, ये बार बार क्या आना चाहिए हाफ, समझ गया, ये एरिया आएगा भाई। तो एरिया बेसिकली एरिया के अंदर जो जो आपका होता है ए बी साइन थीटा, वही चीज आपके क्रॉस प्रोडक्ट में भी, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं अगर मैं एरिया को वेक्टर ले लूं, क्योंकि ये तो अभी स्केलर है ना, अगर मैं वेक्टर ले लूं इसकी डायरेक्शन भी दिखा दूं कि भाई एरिया मेरा एक वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन एन कैप है, तो मैं ये कह सकता हूं एरिया वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय 2, क्या कहते हैं समझ आया। तो क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली एरिया को एरिया फाइंड करने में काम आ सकता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली एरिया, एरिया कैसे दो वेक्टर आपको दिए जाएंगे तो तीसरा अपने आप बना लो ना फिर उससे, ठीक है, तीसरी लाइन अपने आप डाल लो, तो उससे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया फाइंड करने में हमारी हेल्प करेगा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है भाई, समझ आया। अगर मैं इसको प्रोजेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर प्रोजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बेसिकली ये एरिया को रिप्रेजेंट करेगा विद डायरेक्शन। अब एरिया की डायरेक्शन कैसे बनेगी, फिर मैंने आपको बताया था दो वेक्टर है, दो वेक्टर से एक, दो वेक्टर से अगर मैं देखूं तो दो वेक्टर को जैसे इमेजिन करो, ऐसे दो वेक्टर किसी भी प्लेन में ले लो, जरूरी नहीं है कि मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में लूं या वर्टिकल प्लेन में लूं, किसी भी प्लेन में ले लो इसको, लेकिन अगर मैं दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर का को सबको मिलाते हुए एक सरफेस मैं बना लूं तो एक प्लेन बनेगी ना, एक भाई दो वेक्टर चाहे वो इधर ले लो चाहे इधर ले लो किधर भी ले लो, अगर दोनों को एक एक प्लेन में लोगे तो एक सरफेस में लोगे तो एक प्लेन बन जाएगी ना, और ए क्रॉस बी करोगे तो डायरेक्शन जो आएगी वो क्या आएगी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और ए क्रॉस बी को ही हमने एरिया बोला है, इसका मतलब एरिया की डायरेक्शन क्या होगी बताओ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और वही तो हमने लास्ट टाइम चेक कल बोला था कि एरिया की डायरेक्शन किधर होती है सरफेस के नॉर्मल चाहे ऊपर चाहे नीचे, ठीक है, तो इसलिए हम लोग ए और बी है तो ए क्रॉस बी हम इसका एरिया को रिप्रेजेंट कर सकते, समझ आ गई, लेकिन डिवाइड बाय 2 आएगा फिर। चलिए तो मैंने बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, आगे जरा देखिए, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, दो वेक्टर पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा भी, ध्यान रखिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा आपका 0, अगर मेरा एंगल 0 होगा तो
क्रॉस बनेगा आपका जीरो बने, सही बात है। आगे बढ़ सकते हैं, मैं इसको रब कर दूं, रब कर दूं भाई। चलिए तो मैंने बताया कि दो वेक्टर पैरेलल है तो क्रॉस ब्रेक जीरो आएगा। नेक्स्ट जरा देखिएगा, एक और चीज, अगर मैं ये बोलूं आई कैप डॉट आई कैप क्रॉस आई कैप क्या आएगा, जीरो। ऐसे ही जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो, और के कैप क्योंकि पैरेलल है ना जीरो आएगा। आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो, जे कैप। अब मुझे बताइए आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आएगा, आई से जे की तरफ हाथ घुमाओ, इनका मैग्नीट्यूड तो वन ही है, मैग्नीट्यूड तो वन ही रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड वन है, इसका मैग्नीट्यूड वन है, वन इंटू वन, और इनके बीच एंगल 90 है, तो बचेगा क्या इसके परपेंडिकुलर आई से जे की तरफ हाथ घुमाओ तो क्या आएगा, के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप क्या आएगा, आई कैप। के कैप क्रॉस आई कैप क्या आएगा, जे कैप। अगर मैं कुछ रैंडम ले लूं कुछ भी, के कैप क्रॉस जे कैप, ये क्या आएगा, के से जे की तरफ हाथ घुमाइए क्या आएगा, के मतलब ऊपर जेड एक्सिस। तो जरा देखिए ये आई आपकी तरफ, जे इधर, के इधर, मतलब बेसिक बता रहा हूं, दो मिनट लगेंगे, ठीक है। के इधर है और किधर की तरफ घुमा रहे हाथ, जे की तरफ, तो के क्रॉस जे करोगे तो इधर आएगा, मतलब आई इधर है तो माइनस आई कैप आएगा, ठीक है, माइनस आई। आप एक चीज याद रख सकते हो, साइक्लिक होता है ना, आई के बाद जे के बाद के, अगर आई और जे का क्रॉस होगा तो के आएगा, जे और के का क्रॉस होगा तो आई आएगा, आई और के और आई का क्रॉस होगा तो जे आएगा। अगर आपने ऑर्डर उल्टा कर दिया, जैसे कि इसमें क्या हुआ, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे उल्टा चले हो तो फिर माइनस आएगा, समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट, अगर अगर आपको ये पता चल गया तो अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले सकता हूँ किसी दो वेक्टर का, ठीक है। जरा देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं आपको बोलूं ए वेक्टर दे रखा है कोई, आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस के कैप, एंड बी वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप, आपको ए क्रॉस बी बताना है क्या होगा, आपको ए क्रॉस बी की वैल्यू बतानी हुई क्या होगी, जरा देखिए कैसे करें। पहले थोड़ा सिंपल मेथड करते हैं, उसके बाद बस मैं डायरेक्ट बता ही दूं, तो ये पता होगा मेरे घर मैट्रिक्स मेथड पता है क्या सबको, तो मैट्रिक्स मेथड सीधा बता दूं मैं, क्योंकि बेसिक इतना सब लोग जानते हैं। तो जरा देखिए इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या होता है, जब भी कॉम्पोनेंट में ब्रेक कर रखा हो, या तो एक तरीका ये है कि आई कैप को पहले क्रॉस लो सबके साथ, फिर जे कैप का क्रॉस लो सबके साथ, ठीक है, वो तरीका भी तो होता है ना, तो उससे आपके पास आंसर आ जाएगा, वो लेंथी तरीका है भाई। पहले आई कैप का आई कैप के साथ क्रॉस लो जीरो आएगा, फिर फोर जे कैप आई कैप क्रॉस जे कैप, नहीं नहीं ए आ गया ना, ए आ गया तो क्या आना चाहिए, आई कैप को पहले ए वाले टर्म्स पहले यूज करो। जरा देखिए मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, देखिएगा अगर मैं पहले ए का बी के साथ लेना है मुझे, तो जरा देखिए पहले आई कैप उठाते हैं, क्योंकि ए आ गया ना, तो ए के कॉम्पोनेंट आओ, सबसे पहले आई कैप उठाओ, आई कैप को इससे आई कैप के साथ क्रॉस करो, तो आई कैप प्लस आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है जी। अब दूसरा फोर जे कैप उठाइए, तो प्लस फोर जे कैप क्रॉस आई कैप, फोर जे कैप क्रॉस आई कैप, एक तो ये बन गया प्लस फोर जे कैप क्रॉस जे कैप, सही है, समझ गया ना, फिर किसका नंबर आएगा के कैप, तो के कैप क्रॉस आई कैप प्लस के कैप क्रॉस जे कैप, ये बनेगा। तो आप देखिए क्या बना, आई कैप जीरो, जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो। अब बताइए आई क्रॉस जे क्या बनेगा, के यहां से निकलेगा के कैप प्लस, यहां पर बताओ जे क्रॉस आई क्या बना, जे क्रॉस आई माइनस के, तो माइनस के माइनस फोर के कैप बनेगा, प्लस ये बताइए क्या बना, के क्रॉस आई है जी जे बनेगा, जे जे आई जे के ये से फिर वापिस आई पे आ रहा है साइकिल का भी, और के क्रॉस ये बताइए क्या बनेगा, माइनस आई। तो आप देख सकते हो ये इसको सिंपलीफाई कर लो मेरे ख्याल से, तो
जो आंसर आएगा ए क्रॉस बी का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप सही है भाई। ये आपके पास ए क्रॉस बी का आंसर आएगा इजी पार्ट ठीक है मुश्किल नहीं आगे बढ़ सकते हैं मैं स्क्रॉल अप कर दूं भाई चलिए मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूं नेक्स्ट जरा देखिएगा एक और तरीका है ये लेंथी तरीका है एक और तरीका जरा देखिए कैसे वो मैट्रिक्स है उसका प्रूफ मैं नहीं कर रहा हूं आप खुद सोचिए मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं कैसे प्रूफ कर सकते हो आप उसको इसको आप जनरलाइज कर ले लो ए नोट बी नोट सी नोट और इसको ले लो ए वन बी वन सी वन और क्रॉस प्रोडक्ट निकालो जैसे अभी हमने तो तरीका लगाया था और एक बार मैट्रिक्स वाले तरीके से निकाल के देखो दोनों सेम ही आएंगे ठीक है जरा देखिए एक बार मैं मैट्रिक्स का बता दूं कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालते टाइम हमें डिटरमिनेंट निकालना होगा तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो कैसे आई कैप जे कैप के कैप ये तो ऊपर इनके कोएफिशिएंट्स हैं आगे नहीं कोएफिशिएंट क्या आएंगे 141 ये यहां पे लिखेंगे 141 ये तो डायरेक्शंस दिखाई मैंने फिर दिखा दो 141 और नीचे क्या आएगा 110 ठीक है जी तो एक तरह से आप इसका डिटरमिनेंट निकाल दो ठीक है तो डिटरमिनेंट क्या आएगा बताओ आई कैप का कोएफिशिएंट क्या आएगा 4 × 1 − 1 × 1 क्या बना माइनस वन माइनस जे कैप वो लेके आएगा माइनस वन प्लस के कैप बोलिए के कैप मतलब ये रो और ये कॉलम छोड़ दो उसके बाद 1 × 1 − 1 × 4 क्या बनेगा माइनस थ्री तो आप देख सकते हो वही आंसर सही है भाई तो इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे आई होप ये आपको सबको पता होगा ठीक है बिकॉज बेसिक बहुत ज्यादा बेसिक चलिए आगे बढ़ो तो मैंने बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे अब जरा देखिए मैं डॉट और क्रॉस को मिक्स कर रहा ठीक है रब कर दूं चलिए इसको रब कर अच्छा मुझे एक बात और बताइए देखिएगा मुझे ये बताइए कौन से ऑपरेशन पॉसिबल है कौन से नहीं ठीक है ध्यान से देखना क्या ये पॉसिबल है क्या ये पॉसिबल है ऐसे लिखना क्या ये सही नोटेशन है क्या ये नोटेशन सही है नहीं चाहिए गलत है मैं बताता हूं क्यों एक चीज और भी याद रखिए वेक्टर के साथ वेक्टर का ही डॉट हो सकता है वेक्टर के साथ स्केलर का डॉट नहीं होगा ठीक है वेक्टर के साथ वेक्टर का ही क्रॉस हो सकता है वेक्टर के साथ स्केलर का क्रॉस नहीं होगा ठीक है जरा देखिए कैसे ये क्या निकलेगा मुझे बताओ ये स्केलर आएगा कि वेक्टर आएगा स्केलर आएगा स्केलर का वेक्टर के साथ क्या लेकर है डॉट पॉसिबल नहीं है भाई ठीक है हाँ अगर ये डॉट ना लगा था तब ठीक था क्यों भाई तब ऐसा क्या फर्क पड़ जाता तब ये स्केलर इसका कोएफिशिएंट बन जाता जैसे आप कई बार नहीं लिखते हो 2 × i + j + k i + 2j + k तो ये क्या है ये कोएफिशिएंट है स्केलर कोएफिशिएंट है लेकिन अगर आपने इसमें डॉट लगा दिया तो गलत हो जाएगा समझ आया मेरा पॉइंट ये पॉसिबल नहीं है ये गलती नहीं कर रही है दूसरा ऐसे ही अगर मैं क्रॉस लगा दूं यहां पे तब भी गलत हो जाएगा ये ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है क्यों भाई क्योंकि ये स्केलर है और ये वेक्टर है और स्केलर और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता समझ आया ध्यान रखिए हाँ अगर आप ऐसे लिख रहे हो ए वेक्टर इंटू बी डॉट सी ये ठीक है या फिर इसको आगे लिख लो कोई बात नहीं बी डॉट सी इंटू ए ये ठीक है बिकॉज ये स्केलर है और ये इसका कोएफिशिएंट बनेगा बट बीच में डॉट या क्रॉस नहीं लगा रहा सही है चलिए आगे बढ़ते तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा मैं कर दूं सॉल्व कर दूं एक क्वेश्चन लिखिए एक क्वेश्चन लिखिए अभी वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 4j + 6k एक वेक्टर दे रखा है ए एक वेक्टर दे रखा है बी 2i कैप
plus bj cap plus k cap, and a vector c, a vector c whose length is whose length is 10 meter, length is 10 meter at an angle of 45 degree with x axis and 60 degree with y axis. ये दे रखा है find the projection of A, find the projection of A in the direction of B cross C. Find the projection of A in the direction B cross C. Find the projection of A in the direction B cross C. A का projection बता रहे B cross C की तरफ, कि B cross C की direction में आपको बता रहे B cross C की direction की तरफ आपको projection बता रहे क्या है? करें आज दोस्तों हो गया क्या? देखिए C की length दे रखी है 10 और ये कह रहा है कि C जो है वो 45 degree X के साथ बना रहा है और Y के साथ 60 degree बना रहा है. तो z के साथ भी निकालो ना, उसके लिए एक रूल होता था क्या, cos square theta x plus cos square theta y plus cos square theta z must be equal to 1. ठीक है, तो अब हमारे पास x की तरफ एंगल पता है मुझे 45 डिग्री, तो बनेगा 1 by 2, तो cos 45 1 by root 2 होता है, तो square करोगे तो 1 by 2 आएगा. next cos 60, cos 60 क्या होगा, उसका square कर रहे हैं, लेकिन cos 60 का 1 by 4 plus cos square theta z equal to 1. What is cos theta z? Theta z is what is here? Theta z is how much? 60 degrees. Let's check it out. Is it right? So now tell us, we can remove C vector. How do we remove C vector? Length is 10. What is inside? Cos theta x. So 1 by root 2 I cap plus cos theta y, y cap 1 by 2 j cap plus 1 by 2 k cap. ये लो जी, ये आ गया c. अब बताइए b भी पता है मुझे, c भी पता है, अब मुझे निकालना क्या बताओ, b cross c, और उसकी भी डायरेक्शन निकाल लिया, तो मैं वेक्टर निकालो b cross c. तो b cross c के लिए क्या लगाओ, मैट्रिक्स वेक्टर लगाओ. ठीक है, जरा देखिए मैं इसको रब कर देता हूँ नीचे से, मेरे पास c आ गया, अब इसकी जरूरत नहीं है. कि लास्ट टाइम करवाया था भाई, लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में भी, कल अपलोड नहीं हुआ है, आज आ जाएगा वो. ठीक है, आज अपलोड हो जाएगा. जरा देखिए भाई, बी क्रॉस सी निकालते हैं, तो आई कैप जे कैप के कैप, देखिएगा बोलिए 2 3 1, नीचे क्या आएगा, 10 बाई रूट 2 5 5. ठीक है जी, तो इससे i कैप निकालो क्या आएगा, j कैप निकालो क्या आएगा, k कैप निकालो क्या आएगा. i कैप का कंपोनेंट कितना आएगा है जी, 10 i कैप माइनस j कैप, j कैप का मूल्य क्या आएगा, 10 माइनस 10 बाय रूट 2. सही बात है, j कैप और k कैप का क्या आएगा बताओ, 10 माइनस 30 बाय रूट 2. ये लो जी, ये आ गया मेरे पास b cross c. b cross c में b वाले कंपोनेंट ऊपर रख रहे हैं, c वाले नीचे रख रहे हैं. ठीक है जी, b cross c आ गया. अब सुनो भाई, मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए b cross c का, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाले बताओ, इसका मैग्नीट्यूड, यार मैग्नीट्यूड निकालना बड़ा आसान है, रूट ऑफ 10. ये देखो कंपोनेंट निकालो पहले, कैसे मालूम, इनकी वैल्यू निकालो पहले, बताओ कितना आएगा, b cross c की वैल्यू क्या आएगी, b cross c इनके कंपोनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 10 i cap plus, बोलिए plus नहीं minus, minus ये कितना आएगा बताइए, 2.93.
2.92 J gap. ठीक है भाई, 2.92 J gap. आगे बोलिए, प्लस आएगा माइनस है, माइनस 11.21 K gap. 11.21 K gap. देखिए भैया, तो मेरे ख्याल से इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, उसको डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से, क्या आ जाएगा, बस डायरेक्शन आ जाएगी. एक बार डिवाइड करो जरा, देखो क्या आ रहा है. और फिर A का डॉट प्ले ले लो इसकी डायरेक्शन के साथ, सही बात है, तो उसका प्रोजेक्शन हो जाएगा. तो ये दूसरे वाला पार्ट आप पे छोड़ दूं मैं, हो जाएगा ये पूरा कर रहा हूं. आप बताइए इसका, इसकी कैप बता दीजिए क्या आएगा, इसकी डायरेक्शन बताइए क्या आएगी. बी क्रॉस सी कैप, डायरेक्शन क्या निकालेंगे, डिवाइड बाय इसका क्या कर दो, मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 100 प्लस 2.92 का स्क्वायर प्लस 11.21 का स्क्वायर, ये आएगा. हालांकि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का स्क्वायर करो तो मैंने माइनस साइन नहीं लिया, वो पॉजिटिव ही बन जाएगा अल्टीमेटली. तो ये बन जाएगा अभी, ये इसका मैं, ये इसकी डायरेक्शन आ जाएगी बी क्रॉस सी की. अब ए के साथ, ए का डॉट ले रहो बी क्रॉस सी की डायरेक्शन के साथ, ठीक है. तो मेरे ख्याल से इजिली आप निकाल सकते हो प्रोजेक्शन. आगे बढ़ सकते हैं भाई, आगे बढ़े. नेक्स्ट जरा देखिए, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारा क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है. आगे बढ़ते, नेक्स्ट जरा देखिए. एक है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, बट उसको मैं पहले एक बार कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा दूं, उसके बाद फिर हम डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में करेंगे, उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा. मैंने सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट समझाया कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं. नेक्स्ट अब आइए कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है. तो आप हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहां से हमारा मेन स्टार्ट होगा. अभी तक मैं आपके पुराने बात दोहरा रहा, तो चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है. अब जो देखिए भाई, तीन तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ेंगे, वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, आप अपना भी बना सकते हो. देखिए मैं बताऊंगा कैसे बना सकते हो, कई बार डायरेक्शन चेंज करने में और कुछ नहीं करता, ठीक है. जरा देखिए, तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम मेनली पढ़ेंगे. पहला कार्टीजन, कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो. अभी तक कौन से सिस्टम में पढ़ रहे थे, कार्टीजन में पढ़ रहे थे. तो कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें आई जे के डायरेक्शन हम लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है जी. दूसरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने को पढ़ना है. और एक है आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक सिलेंड्रिकल है, एक स्फेरिकल है, एक कार्टीजन. तीनों के तीनों ऑर्थो नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ऑर्थो नॉर्मल का क्या मतलब है, इनमें जो डायरेक्शंस आएंगी वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर आएंगी, ठीक है. ऑर्थो नॉर्मल सिस्टम है, ऑर्थो नॉर्मल सिस्टम है तीनों. और भी हो सकते हैं आपके पास, और आप अपने डिजाइन कर सकते हो, अभी मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है. मेनली हम इन तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करेंगे. कार्टीजन, कार्टीजन तो अभी तक करते हुए आ रहे थे, आई जे के, ठीक है. अब पहली बार हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे. चलिए तो हेडिंग डालिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टीजन की जरूरत नहीं है भाई, कार्टीजन मैं करवा चुका हूं. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जरा देखिए ये क्या चीज होती है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे चीजों को हम हैंडल करते हैं. सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम इसे बनाते हैं, देखिए कैसे बनाया जाए, क्योंकि हमने कार्टीजन पढ़ा है, तो कार्टीजन की हेल्प से हम बनाएंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे कार्टीजन में हमने पढ़ा कि आपके पास तीन डायरेक्शंस है, एक लेंथ है, एक आपकी 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 तरफ मैं क्या बोलूं, लेंथ बोलूं, इधर क्या बोलूं, ब्रेथ बोलूं, और ऊपर हाइट, तीन है मेरे पास. तो आप इन तीनों के टर्म में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हो, वहां पे अगर ओरिजिन मान लो मैं, या फिर इमेजिन करो कि ये मेरे पास ओरिजिन है कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर ये मेरे पास ओरिजिन है, यहाँ पे मुझे पॉइंट पे आना है, तो आप बताओगे कितनी लेंथ, एक्स की तरफ चलोगे
कितनी y की तरफ और कितनी z की तरफ, तो आप अल्टीमेटली वहां पे पहुंच जाओ। बट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करेंगे हम लोग, अब हम लेंथ ब्रेथ हाइट की बात नहीं करेंगे। सिलेंडर में क्या चीज डिफाइन होती है बताओ, सिलेंडर की रेडियस। मैं अगर दिखाऊंगा आपको तो सिलेंडर में भी एक रेडियस और क्या होता है बताओ, ये मेरे पास सिलेंडर है देखो, ठीक है, तो इसमें क्या क्या डिफाइन है, इसकी रेडियस डिफाइन है, इसकी हाइट डिफाइन है, और हाँ कितने एंगल पे हो, एंगल भी तो डिफाइन है। इसका मतलब तीन चीजें डिफाइन होती हैं। अब मान लीजिए जल्दी देखिए, मैं बताऊंगा अभी, नोट करी कोई बात नहीं, अगर किसी को नाम पता चला तो। वैसे तीन चीजें सिलेंडर में हम देखते हैं, एक रेडियस, एक सिलेंडर की हाइट, और एक वो कितने एंगल पे घूम रहा है, कितने एंगल पे है किसी स्टैंडर्ड डायरेक्शन से। अब स्टैंडर्ड डायरेक्शन कौन सी माने, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस मान लो, एक्स एक्सिस से कितना डिग्री इधर हो, तो अगर मैं पूरा सिलेंडर कवर करूंगा तो एक्स एक्सिस से कितना डिग्री घूमना पड़ेगा मुझे, 360, तब जाके पूरा सिलेंडर कवर होगा, सही बात है। रेडियस होगी आर, तो जरा देखिए, अब इमेजिन करो कि मेरे पास ये कार्टीजन है, क्योंकि मैं कार्टीजन को जानता हूं, तो इसलिए कार्टीजन को ही लेके चलेंगे। उसको समझने के लिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के लिए हम कार्टीजन का सहारा लेंगे थोड़ा सा। थोड़ा देखिए कैसे, ये मेरे पास कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स कैप डायरेक्शन है मान लीजिए, ये वाई कैप है और ये जेड कैप है। एक्स कैप एक्चुअल में आपकी तरफ है ये, तो मैं इसको इधर नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपकी तरफ ऐसे इस तरफ करके दिखा रहा हूं, सो आप अज्यूम कर लेंगे आपकी तरफ है, ठीक है। अब सुनिए, ये मेरे पास ओरिजिन है, अब मैं मेरा एक पॉइंट है जो एक सिलेंडर पे प्रेजेंट है, मेरा एक पॉइंट है जो एक सिलेंडर पे प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है समवेयर पी पॉइंट, और कोई आपका फ्रेंड है जो ओरिजिन पे बैठा हुआ है, कोई आपका फ्रेंड है जो ओरिजिन पे बैठा हुआ है, आपको इस पी पॉइंट तक उसको पहुंचाना है। इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो आर है, हाइट है एच, ठीक है, पॉइंट की हाइट है एच, रेडियस है आर, आपका फ्रेंड ओरिजिन पे बैठा हुआ है, अब आपको उसको डिक्टेट करना है, उसको बताना है कि आप पी पॉइंट पर कैसे पहुंचोगे। तो जरा देखिए आप क्या बताओगे, सबसे पहले ओरिजिन पे बैठा है, सबसे पहला पॉइंट उसको बोलोगे, आप एक काम करो जी, आर रेडियस बाहर की तरफ चलो, तब वो बोलेगा मैं किधर चलूं, आप बोलोगे किधर भी चलो, बट अपनी अब जहां पे भी तुम बैठे हो उससे आर रेडियस अपने बाहर की तरफ चलो, हॉरिजॉन्टली चलो, चाहे एक्स की तरफ चलो, चाहे वाई की तरफ चलो, जेड किधर भी चलो, आर रेडियस बाहर की तरफ चलो। तो इसका मतलब वो फिर कहां पे हो सकता है बंदा, आप फोन में बात कर रहे हो, आपको पता नहीं उसकी एक्जैक्ट लोकेशन, उसने बस ये बताया कि मैं ओरिजिन पे बैठा हूं और मुझे यहां पे जाना है पी पॉइंट, और आपको अपने माइंड में है पी की लोकेशन, आपके माइंड में पी की लोकेशन है, क्योंकि आपको पता है कि रेडियस कितना चल रहे हैं, कितना एंगल एक्स एक्सिस से कितना चल रहे हैं, और कितनी हाइट पे उसको पहुंचा रहे हैं, ये आपके माइंड में है मान लीजिए, और आप उसमें आप उसको फोन पे बात कर रहे हो। आप क्या बताओगे, सबसे पहले तो उसको बताओगे भाई आर रेडियस, जो भी इसकी रेडियस होगी सिलेंडर की, मान लीजिए वो आर है, आप बोलोगे आर रेडियस बाहर की तरफ चलो, अब वो बोलेगा किधर चलूं, तो आप बोलोगे किधर भी चलो, बट आर रेडियस आप, तो अब बताओ कहां पे हो सकता है, क्योंकि मुझे दिखाई तो दे नहीं रहा। अब मेरे दिमाग में क्या आएगा, किधर भी चला होगा, बट मेरे दिमाग में यह आएगा कि वो इस सर्कल पे कहीं में भी हो सकता है, क्या करें, इस सर्कल पे कहीं में भी हो सकता है, क्योंकि मैं देख तो नहीं पा रहा ना उसको, मैं फोन पे बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब सबसे पहले तो मैंने बोला उसको आर रेडिएशन, ठीक है, और आर क्या होनी चाहिए, आर जिस रेडियस पे पी पॉइंट प्रेजेंट ना एक्स एक्स जेड एक्सिस के साथ, उतनी ही ये वाली आर होगी ना, सीधी बात है भाई। तो इस पी पॉइंट का मुझे पता था कि ये पी पॉइंट जो है जिस सर्कल में प्रेजेंट है ये, उसकी रेडियस क्या है, उतनी रेडियस मैंने इसको बोला है आपने कि भाई उतनी रेडियस आप बाहर की तरफ चलो, समझा, इसका मतलब मुझे पता चल गया कि ये पॉइंट कहीं पे भी, ये बंदा कहीं पे भी हो सकता है, बट होगा इस सर्कल की जिसकी रेडियस कितनी है आर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बताओगे उसको, नेक्स्ट पॉइंट उसको बताओगे, चलो कुछ भी अभी के लिए तो कुछ भी ले लो, नंबर वाइज सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है पहले आर ही बोलो, पहले आप हाइट दे सकते थे उसको कि भी पहले आप एच हाइट आ जाओ, क्योंकि आपको हाइट पता है इसकी, तो आप शुरू में ही बोल देते कि भाई पहले तो तुम ऊपर दो एच हाइट ऊपर आओ, ठीक है, आप ये भी बोल सकते थे, तो शुरू में मैंने खैर आर बोल दिया, कोई बात नहीं, बाहर की तरफ इस सर्कल पे आ रही हो, कहीं पे भी हो सकता है बंदा, मान लीजिए समेर यहाँ पे कहीं है, पीछे की तरफ, ठीक है, अब आप क्या बोलोगे इसको, जनाब एच हाइट ऊपर आ जाओ, मतलब जेड जेड कोऑर्डिनेट आप बताओगे कि भाई जेड की तरफ आ जाओ,
कितनी हाइट, एच हाइट, तो कहाँ पे पहुंच जाएगा बताओ, वो सम एरिया पे पहुंच जाएगा, सही बात है। मान लीजिए वो आर रेडियस बाहर आया और वो इधर की तरफ आया, फिर आपने बोला कि जनाब जेड हाइट ऊपर उठ जाओ, मतलब जेड की तरफ चलो, तो तीसरा पॉइंट होगा जेड, जेड होता हाइट, तीसरा पॉइंट ये होगा। अभी भी पी पॉइंट में नहीं पहुंचा हूं, अब बताओ क्या बताना पड़ेगा, अब हमें बताना पड़ेगा कि अब एक काम करो, अब तुम चलना शुरू करो, मेक श्योर कि जेड एक्सिस से डिस्टेंस आपकी सेम रहे। अब आप उसको बोलोगे कि अब तुम घूमना शुरू करो सर्कल में, और मेक श्योर कि तुम्हारी जो जेड एक्सिस है उसके साथ क्या है डिस्टेंस, जेड एक्सिस मान लीजिए ये वाली है, मान लीजिए जेड एक्सिस कुछ इधर है और वो बंदा यहाँ पे पहुंच चुका है, उसको पहुंचाना है यहाँ पे, पी पॉइंट तो इधर है ना, और वो यहाँ पे पहुंचा है। अब आप उसको बोलोगे तुम्हें बस अपनी रेडियस कॉन्स्टेंट रखनी है, ठीक है, और तुम्हें घूमना है, तुम्हें अपने सर्कल में घूमना है, तो घूमना स्टार्ट करेगा, वो बोलेगा मैंने घूमना स्टार्ट कर दिया, मैं कहाँ पे रुकूँ, तो आप बोलोगे उस पॉइंट पे रुको जहाँ पे एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो कितना है फाइ, इस पॉइंट पे, क्योंकि जो पी पॉइंट है, जो पी पॉइंट है ये मेरा एक्स एक्सिस के साथ कितना, एक्स एक्सिस मेरी इधर है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है फाइ, आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट, जो पी पॉइंट है इस पॉइंट पे अगर मैं कोऑर्डिनेट दिखाऊंगा तो इधर बनेगा एक्स, इधर बनेगा क्या वाई, और उधर क्या बनेगा जेड, तो ये जो पी पॉइंट है एक्स से कितना इधर है आपका, आपकी तरफ है एक्स, और पी पॉइंट जो है वो एक्स से कितना इधर है फाइ इधर है, समझ रहे हो मेरा पॉइंट, तो इसका मतलब आप उसको बोलोगे कि जहां ये यहां पे पहुंच गया था, अब आप उसको बोलोगे कि सर्कल में घूमना शुरू करो और उस पॉइंट पे पहुंचो जो पॉइंट एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है फाइ, तो वो यहां पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब आपको कितनी पॉइंट बताने पड़ेंगे बताओ, तीन चीजें बतानी पड़ेंगी उसको, पी पॉइंट पे पहुंचाने के लिए आपको उसको बोलना पड़ेगा, आपको पी पॉइंट का आर, आपको आर पता होना चाहिए किस रेडियस में प्रेजेंट है पी पॉइंट, आपको पी पॉइंट की हाइट पता होना चाहिए नीचे से, और एक पी पॉइंट का एंगल पता होना चाहिए एक्स एक्सिस के साथ कितना इधर है, एक्स से कितना उधर है पी पॉइंट, समझ आया। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये तीन पॉइंट्स होते हैं, ये जैसे कार्टेशियन में क्या होते हैं एक्स वाई जेड होते हैं ना, तीन डायरेक्शंस होती हैं एक्स वाई जेड, अब यहां पर तीन डायरेक्शन ये बनेगी आर जेड फाई, अब इनकी सीक्वेंस क्या होगी, अब क्वेश्चन ये है, तो मैंने बोला कि सिलेंड्रिकल में तीन पॉइंट हमें बताने पड़ेंगे, जैसे कोई भी पॉइंट भी आप कार्टेशियन में डिनोट कर देते तो आप उसकी लेंथ हाइट वेट ये बस ये सब बता देते, पी पॉइंट आप बोलते थे 2 3 4 आप ऐसे बता देते कार्टेशियन में, 2 मेरी एक्स की तरफ है, वाई की तरफ 3 और जेड की तरफ 4, तब जाके पी पॉइंट, ऐसे ही अगर सिलेंड्रिकल में अगर किसी पी पॉइंट को डिनोट करना है तो आप उसको आर बताना पड़ेगा, आप उसका एंगल बताना पड़ेगा और आपको उसका हाइट बतानी पड़ेगी, मे बी कुछ 4 या 3 जो भी है, कोई भी पॉइंट है पी तो उसमें इस तरह के तीन पॉइंट बताने पड़ेंगे, पहले वाला आर, फिर थीटा, फिर हाइट। अब ये बोल रहे हैं कि सीक्वेंस कैसे डिसाइड किया आपने, सीक्वेंस देखते हैं, आपने एक्स वाई जेड कैसे डिसाइड की थी, शुरू में आप एक्स लिखते हो फिर वाई लिखते हो फिर जेड लिखते हो, ऐसा क्यों करते हो, इसी तरह आप इसमें भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जरा देखिए कैसे डिफाइन करते हैं, आर पहले लिखेंगे कि फाई पहले लिखेंगे कि जेड पहले लिखेंगे, जैसे कार्टेशियन में आप नहीं लिखते हो एक्स वाई और फिर जेड, ऐसे ही इसमें देखते हैं कौन सा नंबर कौन सा नंबर पे आएगा, ये हमें देखना है। चलिए लेकिन आपको समझ आया पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सिलेंड्रिकल में, एक हमें रेडियस बतानी पड़ेगी, एक हमें एंगल बताना पड़ेगा और एक हमें हाइट बतानी पड़ेगी, सिलेंडर में तो तीन चीजें तो होती है, सही है भाई। अब जरा देख, अब क्वेश्चन ये है, जैसे कार्टेशियन में एक्स वाई जेड दिखा देते तो डायरेक्शन भी आपके पास वही बनती थी एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, तो यहाँ पे कितनी डायरेक्शन बनेगी, यहाँ पे तीन डायरेक्शन बनेगी, कौन कौन सी, आर कैप फाई कैप एंड जेड कैप। अब क्वेश्चन ये है कि नंबर क्या होगा इनका, पहले कौन सा आएगा दूसरे पे कौन सा आएगा, आर कैप फाई कैप जेड कैप, और दूसरा क्या ये ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है, क्या ये ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है, हमें ये भी देखना है। तो चलिए कैसे देखेंगे, एक तो हमें चेक करना है कि नंबरिंग क्या होगी और एक हमें इनकी डायरेक्शंस देखनी है किधर होंगी इनकी डायरेक्शन, और चेक करना है कि ये ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है कि नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा ये चीज हमें पता चल गई कि सिलेंड्रिकल में पॉइंट को दिखाते कैसे, उनको क्या क्या, एक आर लिखते हैं, थीटा लिखते हैं या फाई लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं हाइट लिखते हैं, जेड लिखते हैं, ठीक है। अब सुनिए इस तरह से पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, इसका कोई लेना देना नहीं है, रैंडमली लिखा है मैंने, कहीं आप उसको उसके साथ मतलब नीचे वाला पॉइंट तो कार्टेशियन में था, अब सेम पॉइंट नहीं है, वो तो अलग पॉइंट था, वो पी1 पॉइंट था 2 3 4,
वो बड़े अलग पॉइंट कार्टेशियन में दिखाया और ये बड़े अलग पॉइंट सिलेंड्रिकल में दिखाया, ये बड़े डिफरेंट पॉइंट है इसके साथ, यही वाला पॉइंट ये नहीं है भाई आप दिल लगा लें इसके साथ क्योंकि आपने तो गलत लगा दिया सर, ठीक है ऐसा नहीं है। चलिए अब जरा देखिए, तो मैं बताऊंगा तीन डायरेक्शन अब इसमें कैसे देखते हैं सिलेंड्रिकल में, और चेक करते हैं कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है कि नहीं, फिर इनकी सीक्वेंस देखेंगे कि कौन से नंबर पे कौन सा आएगा। तो चलिए जरा देखिए, ये मेरे पास सिलेंडर है, ठीक है। अब इमेजिन करो मैं इसको अगर मैं यहां पे भरा हूं, जरा देखिए मेरे पास एक सिलेंडर है, अब ध्यान से समझिएगा लिखना बाद में क्योंकि इसमें बहुत डिफिकल्टी आती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो आप जरा देखिएगा एक बार ये दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ लो फिर लिख लेना, ठीक है लिखने का टाइम दूंगा। ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरी जेड एक्सिस है, ये मेरी मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। क्यों मैंने कार्टेशियन में क्यों लिया मैंने साथ, क्योंकि मुझे कार्टेशियन पता है तो ऑब्वियसली मैं उसके रेस्पेक्ट में सोचूंगा, हालांकि एक अच्छा तरीका नहीं है बिकॉज आप डिफरेंट तब तक नहीं कर पाते जब आप डिफरेंटली सोच नहीं पाते, और डिफरेंटली सोचने के लिए आपको आइसोलेट होना पड़ेगा, आप जिस सिस्टम में वर्क कर रहे हो उस सिस्टम को छोड़ना पड़ेगा, बट हम तो उसी सिस्टम का सहारा ले रहे हैं, नहीं समझे तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट द थिंग इज ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो इसलिए समझने के लिए इजी हो जाएगा, इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ कार्टेशियन। अब उसके बाद में सिलेंड्रिकल जरा देखिए कैसे, सबसे पहले तीन डायरेक्शन दिखाई, मेरा पॉइंट है यहाँ पर पी, मुझे इस पी पॉइंट पे चलना है, तो मैंने बताया आर थीटा एंड फाई, नहीं आर जेड एंड आपका फाई। अब जरा देखिए कैसे, अब तीनों डायरेक्शन कैसे होगी, डायरेक्शन हम लोग कैसे बताएं, आर की डायरेक्शन क्या होगी, फाई की डायरेक्शन क्या होगी और जेड की डायरेक्शन क्या होगी। जेड तो आपको पता ही है, अगर इस पॉइंट पे मुझे जेड की डायरेक्शन दिखानी है तो किधर दिखाएंगे, जेड तो ऊपर की तरफ है, जेड क्या सही बात है। अब मुझे देखना है कि तीनों पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं, और तो नॉर्मल है कि नहीं है। एक पॉइंट यहाँ पे ले लो, ये पीछे नजर आ रहा है भैया, मैंने ब्लैक ब्लैक डॉट दिखाया, ब्लैक डॉट दिखाया नजर आ रहा है पीछे, तो ये बेसिकली यही चीज मैंने यहाँ पे बोर्ड पे रखी है। अब उधर देखिए ये पॉइंट है मेरा, अब इस पॉइंट पे जेड किधर है, इस पॉइंट पे अगर मैं जेड की बात करूँ तो जेड तो ऊपर है, ये डायरेक्शन में क्या होगी जेड, ठीक है इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन जेड होगी। अच्छा दूसरा थीटा डायरेक्शन किधर होगी या फाई डायरेक्शन किधर होगी, थीटा बोल दो चाहे फाई बोल दो, फिलहाल फाई बोल रहा हूँ मैं, फाई मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल, तो एक्स आपकी तरफ है और पॉइंट मेरा एक्स से थोड़ा सा इधर है, तो आप फाई डायरेक्शन किधर लोगे, एंगल की डायरेक्शन किधर लोगे, क्योंकि एक आर कैप आया ना, देखो तीन तीन कैप आएंगे कार्टेशियन में, आई कैप जे कैप के कैप आते थे ना, ऐसे यहां पे क्या क्या आएंगे, आर कैप फाई कैप एंड जेड कैप, तो जेड कैप तो मुझे पता चल गया ऊपर की तरफ होगा वही रहेगा, कार्टेशियन में जो था वही यहाँ पे भी सिलेंड्रिकल में भी है। अब मुझे कहना थीटा कैप किधर लूं मैं, देखो आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी अगर आप थीटा को वेरी करोगे तो आप किधर मूव करोगे मुझे बताओ, अगर मेरा थीटा चेंज होगा तो आप सर्कल में तो मूव करोगे, इसका मतलब आपकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, टेंजेंट टू द जो आपका सर्कल होता है उसके टेंजेंट। भाई मान लीजिए मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे पूछूं, आप बोलोगे बताओ मुझे थीटा थीटा मूव करना है, भाई मैं बोलो मैं 10 डिग्री मूव करना चाहता हूँ इस पॉइंट पे था और यहाँ से 10 डिग्री मूव करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली आप टेंजेंट मूव करोगे ना, तो इसका मतलब थीटा कैप की डायरेक्शन किधर ले, थीटा को चेंज करके देख लो, थीटा को चेंज करके देखो और उससे पता चल जाएगा आपको कि भाई थीटा चेंज होने से मेरा मोशन किधर है, तो जिधर मोशन है वही डायरेक्शन किसकी है, थीटा की या फाई की आप बोल दो, क्योंकि फाई इधर तो फाई की डायरेक्शन होगी, सही बात है मेरा पॉइंट। भाई अगर मैं फाई को चेंज करूं और मुझे पता चले फाई चेंज करने से मैं किधर मूव कर रहा हूं, तो जिधर मेरा मोशन होगा वही मेरी क्या क्या डायरेक्शन हो जाएगी, फाई की डायरेक्शन हो जाएगी। तो आप बताइए, अब जब बोलिए मैं इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे था, अब यहाँ पे जेड तो ऊपर है, फाई किधर है, फाई किधर है बताओ, अगर मैं यहाँ से घूमना शुरू करूंगा, इस पॉइंट से घूमना शुरू करूंगा ये वाले पॉइंट से, तो फाई तो इधर इसके टेंजेंशियल है, तो इसका मतलब यहाँ पे फाई किधर आएगा, इसके टेंजेंशियल इधर आ गया। अब आप देखिए एक काम और करना पड़ेगा, आप इस पिक्चर को इमेजिनरी पिक्चर को यहाँ पे विजुलाइज कीजिए ऐसे, ये एक सर्कल है ठीक है और इसमें यहाँ पे पी पॉइंट था, तो एक तो जेड कैप ऊपर की तरफ आ गया और एक फाई कैप इधर इसके क्या आ गया,
टेंजेंट चला पता दोनों डायरेक्शन किधर आई, जेड कैप ऊपर है और फाई कैप इसके टेंजेंशियल इधर आ गए, क्योंकि सर्कल ऐसे था ना, सर्कल ऐसे था तो उसके टेंजेंशियल इधर आ गए, दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर। अब क्या रह गया, आर कैप किधर होगा, अगर रेडियस बढ़ाओगे तो किधर चलेगा, इस पी पॉइंट में जाएगा। रेडियस अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो कीपिंग थीटा एंड फाई, कीपिंग थीटा एंड हाइट कांस्टेंट, तो आप किधर किधर निकलोगे बताओ, अगर आप रेडियस बढ़ाना चाहते हो बाहर की तरफ नहीं निकलोगे भाई, आप थीटा को चेंज नहीं कर रहे हो, आप हाइट को चेंज नहीं कर रहे हो, इस पॉइंट में, इस पॉइंट का ना थीटा चेंज हो रहा है, जो एंगल था वो भी चेंज नहीं हो रहा, और ना ही आप इसका हाइट चेंज कर रहे हो, बस आप इसकी रेडियस चेंज कर रहे हो, तो आप बताओ चेंज करने से किधर किधर बढ़ोगे, रेडियस बढ़ा रहे हो मान लीजिए, इंक्रीज कर रहे हो, तो बताओ किधर किधर निकलोगे आप बाहर की तरफ नहीं निकलोगे, तो ये कौन सी डायरेक्शन रहेगी, मैंने बताया ना डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं, मान लीजिए आपको फाई की डायरेक्शन चेक करनी है, तो फाई को चेंज करके देख लो, फाई को बढ़ा के देख लो और देखो कि आपका मोशन किधर है, जिधर मोशन है वही डायरेक्शन हो जाएगी फाई की। ऐसे अगर मान लीजिए मैं आर को, आर की डायरेक्शन चेंज चेक करना चाहूँ, तो आप एक काम करो आर को चेंज करके देख लो, आर को चेंज करके देख लो कि किधर किधर मूव करोगे आप, तो ऑब्वियसली रेडियस बढ़ाओगे तो बाहर की तरफ ही तो निकलोगे, जेड एक्सिस से बाहर ही निकलोगे तभी तो रेडियस बढ़ेगी, इसका आर कैप डायरेक्शन किधर हो जाएगी, बाहर की तरफ, क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर जेड को चेंज करूंगा तो मैं ऊपर उठूंगा, तो जेड कैप मेरा ऊपर की तरफ हो जाएगा, समझ आया। तो तीन डायरेक्शन ऐसे होगी, एक आर कैप, एक फाई कैप और एक जेड कैप। अब मुझे देखना है क्या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देख अब उसके लिए आपको थोड़ा इमेज नहीं सोचना पड़ेगा, कॉपी पर ध्यान दो, मेरी तरफ देखो नहीं तो चीजें छूट जाएंगी। जरा देखिए, इमेजिन करो कि ये ऊपर वाला जो सर्कल है वो ऐसे था यहाँ पे, और इमेजिन क्या मैं आपको दिखाई देता हूँ, चलिए जरा देखिए, पर ये पता है पीछे नजर नहीं आएगा, हाँ जी क्या जी, नहीं मैं मेरे पास दूसरा दे, जरा देखिए भाई मैं आपको जरा दिखाता हूँ, बेसिकली मैं सिलेंडर का ये ऊपर वाला जो सर्कल है इसको बना रहा हूँ, ठीक है, और जरा देखिएगा कि किस तरह से हम इसको पी पॉइंट पे जो जो डायरेक्शन है उन तीनों को कैसे दिखाते हैं, ठीक है, जरा देखिए ये वायर थोड़ा पतला था इसलिए मैंने थोड़ा इसके साथ ये लगा दिया, सो दैट मैं आपको एक सर्कल दिखा सकूं। जरा देखिए भाई ये मेरे पास ऊपर वाला सर्कल आ गया, ठीक है, ये मेरे पास ये वाला सर्कल जो ऊपर आएगा ना, ये वाला सर्कल, ठीक है भाई। आप सुनो, आपकी तरफ क्या है बताओ, आपकी तरफ एक्स एक्सिस है, इधर है y और ऊपर क्या है z। अब P पॉइंट मेरा यहाँ पे समझे, यहाँ पे नहीं, P पॉइंट यहाँ पे नहीं, इस पॉइंट इस जगह, तो बताओ रेडियस r कैप किधर हो गया, r इधर हो गया क्योंकि बाहर की तरफ तो वही है ना, z इधर है बीच में, तो इससे बाहर की तरफ ये r कैप हो गया, इस P पॉइंट पे r कैप डायरेक्शन ये होगी, सही बात है। z कैप किधर होगा बताओ जरा, z कैप ऊपर होगा और फाई कैप किधर होगा, फाई कैप इसके टेंजेंशियल इधर, जब फाई बढ़ेगा तो इधर ही मूव करोगे ना, तो फाई कैप इधर हो गया, तीनों डायरेक्शन देख लिया, ये मेरा कौन सा हो गया आर कैप, और ये मेरा कौन सा हो गया जेड कैप, और इसके परपेंडिकुलर ये मेरा कौन सा हो गया फाई कैप, जरा देखिए ये टेंजेंशियल हो गया ना इसका, समझ रहे हो सबको। अब ये तीनों बताओ एक दूसरे का क्या है परपेंडिकुलर, इसका तो सिस्टम कैसा है आपका ऑर्थो नॉर्मल, समझ आया, सिस्टम इज अगेन ऑर्थो नॉर्मल, आई होप आपको समझ आया ये पॉइंट मेरा, मतलब इसको 3D में विजुलाइज करके देखो, आर कैप मेरा उधर है, ये आर कैप हो गया, जेड कैप मेरा ऊपर की तरफ है और फाई कैप मेरा टेंजेंशियल है सर्कल के टेंजेंशियल, ठीक है, तो इधर हो गया। अब जरा देखो तीनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब सिस्टम कैसा है ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए अब कौन से नंबर पे कौन सा आएगा, पहले आर कैप लिखे, फाई कैप लिखे, फिर जेड कैप लिखे, सीक्वेंस क्या होगी इनकी लिखने की वो जरा देखिए। अब सुनो वापिस आओ, इस पी पॉइंट पे सोचिए, जो पी पॉइंट था उस पॉइंट पे मैंने आपको तीन डायरेक्शन दिखाई, एक कौन सी थी बताओ, जेड कैप, एक आर कैप और एक कौन सी थी फाई कैप। मैं जानता हूं जैसे हम कार्टेशियन में दिखाते थे आई जे के, उसका रूल क्या था, इनकी सीक्वेंस कैसे हम डिसाइड करते हैं, सुनो जो हम लिखते थे पहले आई फिर जे फिर के, ये ऐसा क्यों लिखते हैं, अगर मैं आई से जे की तरफ हाथ घुमाऊंगा राइट हैंड तो के डायरेक्शन आनी चाहिए, ऐसे अगर जे से के की तरफ घुमाऊंगा तो क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, और के से आई घुमाऊंगा तो जे आना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए।
तो मान लीजिए मैं दूसरा सिलेंड्रिकल में आर जेड फाइव लिख रहा हूं, आर कैप जेड कैप फाइव कैप लिख रहा हूं। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो आर कैप से जेड कैप की तरफ घुमाऊंगा तो क्या आना चाहिए, फाइव कैप आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इसका ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, गलत। तो चलिए बताइए, आर कैप मेरा इधर था, जेड कैप मेरा इधर था, फाइव कैप मेरा इधर था, सही है। अब आप हाथ घुमाइए, राइट हैंड का यूज कीजिए, आर कैप से कितना है, मैं इसको लेफ्ट हैंड से पकड़ सकता हूँ, ठीक है। जरा देखिए भाई, ये तीन डायरेक्शन है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, राइट हैंड से आर कैप से किधर घूमना है, आर कैप किधर है बताओ, इसमें आर कैप ये बाहर की तरफ है और जेड कैप ये है, तो आर कैप से जेड कैप की तरफ घुमाओ, आपको फाइव कैप नहीं है उल्टा है, इसका मतलब ये नोटेशन गलत है, ये ठीक नहीं है, समझा, क्लियर हुआ मेरा पॉइंट। तो फिर इसमें चेंज करो कुछ, क्या चेंज करें, क्योंकि मैं ज्यादा चेंज नहीं करूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप खुद चेंज करते रहे। मैंने ये लिख दिया आर कैप फाइव कैप जेड कैप, अब जरा चेक करते हैं, आर से फाइव की तरफ घुमाइए, जेड आना चाहिए, तो आर से फाइव की तरफ घुमाओ, आर उधर है आपका और फाइव इधर है, ऐसे था ना, फाइव आपका इधर था आर इधर था, तो आर से फाइव की तरफ हाथ घुमाइए, आर से फाइव की तरफ घुमाओ, क्या आना चाहिए, जेड, और जेड ही आया है। सिर्फ एक से दिल को तसल्ली मत दो, फाइव से जेड की तरफ घुमाइए हाथ, फाइव से जेड की तरफ घुमाइए, क्या आना चाहिए, आर, सही क्लिक होगा ना, इससे इस पे चलोगे तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो बताइए फाइव किधर है, फाइव इधर है और जेड किधर है, जेड आपका ऊपर है, तो फाइव फाइव इधर है, तो हाथ को उधर कीजिए और जेड जेड मतलब ऊपर की तरफ हाथ को घुमाइए, इधर आएगा, उधर आएगा ना, उधर कौन सी डायरेक्शन है, आर क्या, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब सिलेंड्रिकल में जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो हम पहले आर कैप दिखाएंगे, फिर फाइव कैप डायरेक्शन दिखाएंगे और फिर जेड कैप दिखाएंगे, समझा, जैसे उसमें आई कैप जे कैप के कैप दिखाते हो, इसलिए इसमें क्या दिखाएंगे, आर कैप फाइव कैप जेड कैप, समझा। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि हमें ये सीक्वेंस ऐसे क्यों लिखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट आते हैं, और ये भी और तो नॉर्मल है, तीनों डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जरा देखिएगा, अब कन्वर्जन देखते, मुझे पता चल गया कि किसी भी पॉइंट को मुझे दिखाना है सिलेंड्रिकल में, जैसे इस बी पॉइंट को दिखाना है तो मुझे इसकी रेडियस बतानी पड़ेगी, पहला पॉइंट इसका रेडियस होगा, दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा, एंगल, कौन सा एंगल है ये, किसके साथ है एंगल, एक्स एक्सिस के साथ है एंगल, एक्स एक्सिस, देखो यहाँ पे अगर मैं एक्स दिखाऊंगा तो इधर दिखाऊंगा इसके पैरेलल, अगर इस लेवल पे जो इसकी हाइट है, बी पॉइंट की हाइट है, अगर उस हाइट पे अगर मैं एक्स वाई जेड दिखाना हूं तो कैसे दिखाऊंगा, इधर की तरफ आप क्या दिखाओ, एक्स कैप, इधर की तरफ क्या दिखाओ, वाई कैप, और इधर क्या दिखाओ, जेड कैप। तो ये जो लाइन है मेरी जो इस लाइन को मिला रही है एक्स से, कितना एंगल बना रही है, ये एंगल है फाइव, समझ रहे हो, फाइव का मतलब समझिए, एक्स के साथ ये कितना एंगल बना रही है, जो ये वाली लाइन है जो पी पॉइंट को जोड़ रही थी वो एक्स के साथ कितना एंगल है, और वो है मेरा फाइव, ठीक है। तो आप इसी लेवल पे एक्स वाई जेड दिखा दो ना, नीचे से एक्स वाई जेड को ऊपर गया, तो इसके पैरेलल एक्स उठ जाएगा, यहाँ पे वाई उधर आ जाएगा, जेड यहाँ पे इधर आ जाएगा, अब आप देख लो ये जो लाइन है कितना एंगल एक्स से इधर है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, फाइव। आप इमेजिन करो मैं इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, इसको घुमा दूं सिलेंडर को, ठीक है, ये सिलेंडर पहले ऐसे था, ये पॉइंट मेरा यहाँ पे था, पॉइंट मेरा यहाँ पे था, सुनिए ये मैं डॉट लगा देता हूँ यहाँ पे, देखो जरा देखिए, ये मेरा सिलेंडर था, आपका पॉइंट यहाँ पे था, इधर एक्स है, आपकी इधर वाई है और ऊपर क्या है, इमेजिन करो मैंने इसको ऐसे घुमा दिया तो आपको क्या नजर आएगा, आपको क्या नजर आएगा, सर्कल। अब एक और बात बताइए, जो एक्स आपका इधर था वो किधर चला गया, नीचे, एक्स नीचे चला गया, और जो वाई आपका इधर था, जो वाई आपका इधर था वो कहां चला गया, वो वैसे ही रहा, वो वैसे रहा, और जेड किधर था, जेड ऊपर था, वो किधर आ गया, आपकी तरफ आ गया। तो मैं इसका ये वाला व्यू दिखा रहा हूं आपको, और जरा देखिए पॉइंट को कैसे दिखाऊंगा मैं, सर्कल मुझे नजर आएगा, नीचे क्या है आएगा बता जरा, एक्स, एक्स क्या है, इधर आएगा मेरा वाई कैप, और जेड कैप आपकी तरफ है, जेड को मैं डॉट से दिखा रहा हूं, जेड कैप आपकी तरफ है, और पी पॉइंट कहां पे है, समवेयर यहां पे है पी पॉइंट, ठीक है। जो पी पॉइंट मेरा यहां पे था, अगर आपको ध्यान हो ये वाला पी पॉइंट था, ये घूम के कहां पे आ गया, ये बीच में आ गया समवेयर यहां। अब बताइए आर कैप क्या आएगा, ये जेड एक्सिस थी, ध्यान से देखो बोर्ड पे, देखो बाद में लिखना, ये जेड एक्सिस थी और ये कोई पी पॉइंट था मेरा, ये बाहर की तरफ जो लाइन थी ये क्या थी,
आर कैप, और ये रेडियस है आर, और ये डायरेक्शन क्या आएगी बताओ जरा, आर कैप, और इसके टेंजेंशियल, अच्छा ये क्या आएगा एंगल एक्स के साथ फाइव, तो इसके टेंजेंशियल ये जो डायरेक्शन आएगी क्या आएगी फाइव कैप। और जेड कैप किधर है, जेड कैप तो सेम ही है कार्टीजन वाला ही है, जेड कैप बाहर आएगा, जेड कैप आपका इधर है, तो बताओ तीनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर नजर नहीं आ रही आप, आर उधर है, फाइव इधर है और जेड इधर है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नजर आ रही, समझ आया। तो ये भी ऊपर काम का है मेरा, इस व्यू से मेरी पिक्चर और क्लियर हुई, ठीक है। तो मैंने बोला जेड आपकी तरफ है, आर इधर है और फाइव इधर है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और आर से फाइव की तरफ हाथ घुमा के देखो जेड आ रहा है, जेड से कौन सा, जेड से आर की तरफ हाथ घुमा के देखो क्या आना चाहिए फाइव, साइक्लिक होना चाहिए ना, जेड से जेड आपका उधर है बाहर की तरफ, जेड से फाइव की तरफ हाथ घुमाओ बाहर से, और किधर की तरफ घुमाना है आर की तरफ घुमाओ, तो आर की तरफ घुमाओ बाहर, बाहर होता है आपकी तरफ और आर नहीं उधर है, तो किधर आना चाहिए फाइव, फाइव के पास, सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैंने बोला मैंने इसको घुमा दिया और इस तरह ले आया, अगर मुझे इस पी पॉइंट को डिफाइन करना होगा तो मुझे आर बताना पड़ेगा कि क्या रेडियस है, मुझे इसका बताना पड़ेगा कितने एंगल पे है और कितनी हाइट इसने कवर की है, ये तीन चीजें बतानी पड़ेगी मुझे, ठीक है भाई, आर फाइव जेड मुझे बताना पड़ेगा इसकी हाइट कितनी है। यहाँ पे हाइट नजर नहीं आ रही आपको, क्यों नजर नहीं आ रही, क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हो ना, समझ रहे हो, तो हाइट इसके अंदर पीछे गई हुई है, एक्चुअल में आगे निकला हुआ है, आगे निकला हुआ, समझ रहे हो मेरा पॉइंट, पर वो जो हाइट है वो देख नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मैं सामने से देख रहा हूँ, जैसे आप ऊपर से नहीं देखते हो हाइट से, जैसे घरों को देखते हो जो गूगल अर्थ करते हो ना उससे देखते हो, जब ऊपर से बिल्कुल नीचे देखते हो तो आपको घरों की हाइट नजर आती है नहीं नजर आती ना, तो एग्जैक्टली वही कंसेप्ट, मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ, मैं इसको इधर से देख रहा हूँ, देखिए ऐसे सामने से देख रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कितना लंबा है पीछे, समझ रहे हो, तो कुल मिला के इसकी हाइट है जेड, जेड हाइट है इसकी, फाई एंगल है इसका और आर इसकी क्या है रेडियस। तो सिलेंड्रिकल में मुझे तीन पॉइंट पता होने चाहिए, आर फाई एंड जेड, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर मैं कोई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दूं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दूं इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या आप उसको कार्टीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ जरा देखिए कार्टीजन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मुझे कार्टीजन में इस पॉइंट का एक्स प्रोजेक्शन चाहिए, एक्स की तरफ क्या प्रोजेक्शन आएगा इसका वो चाहिए, तो आप एक काम करो ये रेडियस है आर और एंगल फाई, इसका एक्स की तरफ प्रोजेक्शन निकालो, ये वाला कितना आएगा आर कॉस फाई, नहीं समझे भाई, मुझे रेडियस पता है इसकी क्योंकि दे रखी है ना सिलेंड्रिकल में, मुझे आर फाई जेड पता है सिलेंड्रिकल में दे रखा है, मुझे कार्टीजन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करें कार्टीजन में, क्योंकि ये रेडियस है आर और ये फाई एंगल है, तो इसका एक्स के ऊपर क्या प्रोजेक्शन आएगा देख लो आर कॉस फाई, दूसरा वाई के ऊपर क्या आएगा, वाई के ऊपर प्रोजेक्शन निकाल लो आर साइन फाई, और जेड तो सिलेंड्रिकल और कार्टीजन में क्या रहता है सेम रहता है, तो अगर मान लीजिए सिलेंड्रिकल में मुझे कोई पॉइंट देखा है आर फाई जेड, तो मुझे कन्वर्ट करना मेरे लिए बड़ा आसान है, ठीक है। और आप पिक्चर को माइंड में रखिए, ऐसे रट्टा मत मारिए इसको, पिक्चर को दिमाग में रखिए, रटने से काम नहीं चलेगा भाई, मैं पहले बता देता हूँ ये रटने वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला कि x इक्वल टू, अगर x चाहिए आपको, x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसकी x एक्सिस में, x में कितना प्रोजेक्शन आएगा, x इक्वल टू r cos phi, y इक्वल टू r sin phi एंड z इक्वल टू z, तो अगर r phi z दे रखे हैं आपको तो हम x y z निकाल सकते हैं उसके, इस पॉइंट के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, अगर आपको आर फाई जेड दे रखा है इस पॉइंट का रेडियस एंगल और हाइट अगर ये दे रखी है तो हम इस पॉइंट के एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं, समझ आया मेरा पॉइंट, ठीक है भाई बहुत बढ़िया। चलिए उल्टा करना हो, एक्स वाई जेड दे रखे हो और अपने को आर फाई जेड निकालना हो तो कैसे करें, जेड तो सेम आ जाएगा, ठीक है। अब आर निकाल लें और फाई निकाल लें, अपने को एक्स और वाई पता है, अपने को इस पॉइंट का ये पता है एक्स और ये पता है वाई, मुझे ये निकाल लें, जो ये वाई है तो ये भी क्या रहेगा वाई रहेगा, और ये मेरा एक्स रहेगा और ये मेरा वाई रहेगा, तो आर क्या आएगा बताओ मेरा, फाई का कोऑर्डिनेट जोड़ लग जाएगी, देखो ना यार ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स है और ये वाई है, तो नीचे वाला भी वाई होगा, तो ये एक्स है ये वाई है, इसका ये क्या आ जाएगा,
या फिर यहां से देखो स्क्वायरिंग आई कर दो तो बताओ क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर और r निकालो जिसका कह लो रूट इसका मतलब अगर आपको x और y पॉइंट पता है तो आप r निकाल सकते हो ठीक है नेक्स्ट अगर मैं पूछूं कि phi बताओ phi कैसे निकालोगे जैसे मैं phi ये y मुझे पता है और ये मुझे x मुझे पता है तो इसका मतलब tan phi या फिर यहां से देख लो यहां से भी देख सकते हैं ना tan phi is equal to y by x तो phi equal to tan inverse of y by x और z तो z सेम रहता है समझे अभी तो इसका मतलब मैं सिलेंड्रिकल से कार्टीजन से सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कर सकता हूं मेरे लिए आसान काम ठीक है रट्टा नहीं मार रहे ये फॉर्मूले इनको समझिए कि बेसिकली ये पिक्चर दिमाग में रखिएगा इसका टॉप व्यू जो है ना वो दिमाग में रखिए उससे आपको हेल्प मिलेगी ठीक है उसी से आपके कोऑर्डिनेट डिफाइन हो जाएंगे उससे आप सॉल्व कर पाओगे z से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं z तो z सेम है मेन तो x और y है तो अगर r दे रखा है phi दे रखा है तो r cos phi x हो जाएगा r sin phi y हो जाएगा और अगर x और y दे रखे हो और r निकाल लो तो x है और ये y है तो उसका स्क्वायर कर दो ऐड कर लो रूट ले लो ठीक है तो r आ जाएगा और phi देख लो tan phi वाला रूट ले लो समझ आ गई बड़ा आसान काम चल तो एक दो क्वेश्चन हो जाए एक दो क्वेश्चन कर दो जरा देख एक दो क्वेश्चन करते हैं जरा देखिए भी मेरे पास एक पॉइंट है पी 2, 3, 4 और एक पॉइंट है क्यू 4, 30 डिग्री 4 4 30 डिग्री 4 एक पॉइंट है पी और एक पॉइंट है क्यू एक पॉइंट है क्यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स और फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ये लिखो इसमें डिस्टेंस क्या रहेगी डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर फाइंड द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर इन कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डायरेक्शन बतानी है आई जे के की टर्म में कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायरेक्शन बतानी है करें जरा क्या आएगी डायरेक्शन कैसे निकालोगे डायरेक्शन मुझे बताओ कार्टीजियन में करेगा अगर ये पॉइंट भी कार्टीजियन में होता तो मजा आता कैसे इसको कन्वर्ट कर लेते मान लीजिए पहले तो कार्टीजियन में आ गया मान लीजिए कार्टीजियन में आते ही पी क्यू वेक्टर आ जाएगा मेरे पास कैसे आएगा क्यू के पोजीशन वेक्टर माइनस पी के पोजीशन वेक्टर ठीक है तो ऐसे पी क्यू वेक्टर आ जाएगा वेक्टर आ गया तो डिवाइड बाय क्या कर दो मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड निकालना भी आसान हो जाएगा अगर दोनों कार्टीजियन में है तो अगर एक सिलेंड्रिकल में और एक कार्टीजियन में मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पाओगे आप मैग्नीट्यूड का मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे आप अगर दो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में है दो पॉइंट तो आप मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पाओगे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं उन पे आप निकाल पाओगे बट वो याद रखने की जरूरत नहीं है आप सीधी बात है जब भी आपको उनके बीच के डिस्टेंस निकाल लिया तो दोनों को कार्टीजन में कन्वर्ट कर लो बस दोनों को कार्टीजन में कन्वर्ट करो उनके बीच की डिस्टेंस आप नहीं निकाल पाओगे अदरवाइज अब जैसे कि देखो ये सिलेंड्रिकल में है ये कार्टीजन में है अब पता ही नहीं कि डिस्टेंस क्या आएगी क्योंकि एंगल है देखो कुछ लोग क्या करेंगे सुनो एक बार मेरी बात सुनो बात तो कर लेना यार बड़ा टाइम है हमारे पास देखो अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी हो पी क्यू तो पी क्यू डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे कुछ लोग देखिए कुछ लोग बोलेंगे रूट ले लो जी क्या 4 - 2 पहले बात यही गलत कर दिया क्यों भाई ये तो आर है ये एक्स है तो एक्स में से एक्स प्रोजेक्शन में से सेम डायरेक्शन वाले जो प्रोजेक्शन होते हैं उनमें उनको सेपरेट करते हैं भाई ये कोई प्रोजेक्शन नहीं है ये क्या है आर ये रेडियस है ये एक्स कोऑर्डिनेट है ये तो गलत हो गया ना दूसरा फिर बोलेंगे 30 डिग्री - 3 अच्छा ये डिग्री है और ये कुछ रेडियन में वैल्यू है ये क्या है ये भी नहीं हो सकता और ये कोई एंगल थोड़ी ना ये जब ये एंगल है और ये डायमेंशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही ये गलत हो गया फिर समझा इसका मतलब कभी भी डिस्टेंस इस तरह से नहीं निकालनी अच्छा एक बात और बताओ जरा डिस्टेंस के ऊपर अगर मेरे दो पॉइंट दोनों सिलेंड्रिकल में होते ये होता आर वन फाई वन जेड वन और दूसरा है आर टू फाई टू जेड टू
दोनों सिलेंड्रिकल में होते तो क्या डिस्टेंस निकाल पाता मैं, क्या डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। आप सोचो कि इस सिलेंडर पे दो पॉइंट लाई कर रहे हैं, एक पी1 है और एक दूसरे सिलेंडर पे लाई कर रहा है जिसकी रेडियस है r2, वो p2 पॉइंट है या q पॉइंट है, q1 मान लो, एक p1 पॉइंट है एक q1 पॉइंट। p1 पॉइंट मान लीजिए इस अंदर वाले सिलेंडर पे है और q1 बाहर वाले सिलेंडर पे है, क्योंकि q1 की रेडियस अलग है ना और हाइट भी अलग है, फाइव भी अलग है मान लीजिए। तो मैंने बोला दूसरा पॉइंट इस सिलेंडर पे लाई कर रहा है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या निकालूंगा, कैसे निकालेंगे, क्या रूल लगाओगे ये वाला। आप बोलोगे सर अब तो r माइनस r हो जाएगा, अच्छा 5 माइनस 5 हो जाएगा। अब भी दिक्कत है क्या, जरा देखिए रूट ऑफ r2 माइनस, ये तो ठीक है चलो कर दिया एक बार के लिए मान लेता हूं कि चलो ठीक है, प्लस 5 2 माइनस 5 1 का स्क्वायर। अब यहां पे गड़बड़ोगी, ये एंगल का स्क्वायर है और ये डिस्टेंस का स्क्वायर है और दोनों का आप ऐड कर रहे हो, क्या मतलब है सेम डायमेंशन थोड़ी ना है कि आप उनको ऐड कर दोगे, तो गलत कर दिया आपने, फिर से गलत कर दिया आपने, समझ आया। इसका मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते, फिर कैसे करें, एक तरीका है कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है दोनों को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो तो हो जाएगा। एक और तरीका बताता हूं, अगर दोनों पॉइंट सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो, अगर डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो कोई इलाज ही नहीं है, फिर तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को कार्टेशियन में लाना पड़ेगा। अगर अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में है फिर तो कोई इलाज ही नहीं है भाई, फिर तो दोनों को कार्टेशियन में लाना पड़ेगा। अगर दोनों सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो हो सकता है, तो मुझे कार्टेशियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, फिर मेरे पास एक मेथड है, लेकिन वो भी हर जगह अप्लाई नहीं होगा। वो क्या मेथड है, अगर मेरे पॉइंट्स का एंगल सेम हो तो बात बन जाएगी, अगर एंगल मेरा सेम हुआ दोनों पॉइंट का, बेशक रेडियस अलग अलग हो हाइट अलग अलग हो तो बात बन जाएगी, कैसे बात बनेगी, ये तो आना ही नहीं, ये तो क्या है करता हूं z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और ये करेक्ट, ये ठीक है। आप देखेंगे कैसे, मैं आपको विजुलाइज करा के दिखाऊंगा, इसका फिजिकल व्यू दिखाऊंगा, तब आपको समझ आएगा कि ये करेक्ट है। इस बार इसका मतलब अगर दो पॉइंट मेरे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और उनका एंगल सेम है, सेम एंगल पे है, x एक्सिस के साथ सेम एंगल पे है, तो मैं डिस्टेंस का ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, उससे आ जाएगा डिस्टेंस। अभी मैं आपको बताता हूं विजुलाइज करा के कैसे ये फॉर्मूला क्यों करेक्ट हुआ, उसका रीजन मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आगे बढ़ने से पहले मुझे एक क्वेश्चन बताओ। पहले देखो इस क्वेश्चन में क्या है बताओ, एक किसमें कार्टेशियन में, एक किसमें सिलेंड्रिकल में, और मैंने पूछा बताओ डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। अब डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन माने यूनिट वेक्टर बता रहे, यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, पी क्यू वेक्टर डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड, तो मुझे इनके बीच का डिस्टेंस मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, सॉरी वेक्टर भी चाहिए। अब वेक्टर के लिए क्या करेंगे बताओ, इससे पोजिशन वेक्टर माइनस इससे पोजिशन वेक्टर, लेकिन ये तो कार्टेशियन में, ये सिलेंड्रिकल में, तो बेहतर इसको कितना कन्वर्ट कर लो, कार्टेशियन कन्वर्ट करो ना, कार्टेशियन इसको कन्वर्ट करो कार्टेशियन में, बताइए भी क्या आया कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के, जरा देखिए कार्टेशियन में कन्वर्ट कीजिए, देखिए कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करोगे कार्टेशियन में बताओ, एक्स क्या आएगा 4 cos 30, cos 30 √3 / 2 √3 बन जाएगा ना, और फिर 4 sin 30 r sin 5, ये तो करते हैं 2, और z को यूं करेंगे, समझ आया भाई। देखो कुछ लोगों को याद नहीं रहेगा आगे आगे, तो आप बस एक पिक्चर याद रखिए, इधर x इधर y, और ये पिक्चर कैसे बनी थी याद है आपको, ये पॉइंट ऑफ बी आर फाइव से, ये पिक्चर कैसे बनी थी याद है, हमने सिलेंडर को घुमा दिया था आपकी तरफ, ऊपर था वो आपकी तरफ ले आया था, तो x जो आपकी तरफ था वो नीचे आ गया था, y आपका उधर का उधर ही रहा था, y आपका सेम रहा था, y आपका उधर था अभी भी उधर ही है, और z जो ऊपर की तरफ था z वो आपकी तरफ आ गया था, ठीक है पिक्चर याद रखो, उससे आप डायरेक्टली एक्स वाई जेड पर आ जाएंगे सीधे सीधे, ये फाइव है हो गया भाई। अब सुनो मुझे पी क्यू वेक्टर चाहिए, अब मैं पी क्यू वेक्टर निकाल देता हूँ, अगर मुझे इनके क्वेश्चन पता चल गई है दोनों की, तो मैं अब इससे पी क्यू वेक्टर निकाल देता हूँ, कैसे निकलेगा पी क्यू वेक्टर, क्यू की पोजिशन माइनस पी की पोजिशन,
अब बताओ क्या आएगा वो, वो आएगा 2√3 माइनस 2 आई कैप प्लस 2 माइनस 3 जे कैप प्लस 0 के कैप, समझ आया? ये मेरा पी क्यू वेक्टर होगा। तो आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे तो बड़ा आसान है, ठीक है? मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका क्या बना 2√3 माइनस 2 करेंगे तो क्या बनता है, ये क्या बनेगा 1.46 आई कैप माइनस जे कैप, ये आ गया मेरे पास पी क्यू, ये मेरे पास पी क्यू आ गया, ठीक है? अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से, क्या आ जाएगा डायरेक्शन आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा, समझ आया? अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो मैंने बताया कि किस तरह से दो वेक्टर के बीच की, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम निकालते हैं अगर एक पॉइंट कार्टेशियन में है और एक पॉइंट सिलेंड्रिकल में है। तो अगर डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा तो बेहतर है उनको कार्टेशियन में ही कन्वर्ट कर लो, ठीक है? कार्टेशियन में कन्वर्ट करके आप उनके बीच की, उनके बीच का वेक्टर निकाल दो, डिस्टेंस पूछिए डिस्टेंस, ठीक है जी? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया कि मैं दो पॉइंट अगर डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनके बीच की डिस्टेंस नहीं निकाल सकता अंटिल अनलेस वो सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और सेम भी कौन सा, कार्टेशियन। अगर मान लीजिए दोनों पॉइंट सिलेंड्रिकल में है और डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे है, मुसीबत हो जाएगी, डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे। जरा देखिए, ये रूल नहीं लग पाएगा जो डिस्टेंस वाला लगाते हो आप, एक्स टू माइनस एक्स वन और ये वाला रूल, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर का रूल, वो रूल नहीं लग पाएगा। जरा देखिए क्यों, जरा बताता हूँ। मुझे एक बात बताइए, मेरे पास दो पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, बाद में लिखना, तो आप देखिएगा उसके रीजन आपके पास होने चाहिए हर एक चीज। मेरे पास दो सिलेंडर है, ठीक है? एक की रेडियस है R1 और पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है P, इसकी रेडियस है R1, ठीक है? अच्छा, एक और सिलेंडर है और उसमें पॉइंट P2 है, उसकी रेडियस मान लीजिए R2 है और लेवल सेम है, हाइट सेम है, पॉइंट मेरा जो P2 पॉइंट है उसका एंगल भी सेम है, सेम उसी एंगल पे है जो मेरा P2 पॉइंट है। सुनो क्या है, P1 और P2 में क्या फर्क है बताओ, सिर्फ R का फर्क है, फाई जो x एक्सिस के साथ इसका जो एंगल था वही इसका भी एंगल है, सही है? और हाइट भी सेम है, दोनों पैरेलल है। तो इसका बताओ, अगर मैं P1 का कोऑर्डिनेट बोलूं तो P1 का कोऑर्डिनेट है R1 फाई z, और P2 का बोलो तो क्या बोलूंगा उसको, R2 फाई z। अब अगर मैं बोलूं बताओ P1 और P2 के बीच की डिस्टेंस, तो डायरेक्टली निकालो, ज्योमेट्री से निकालो, क्या आएगी R2 माइनस R1, क्या कहते हैं डिस्टेंस आएगी R2 माइनस R1। तो ये तो आ गया सिलेंड्रिकल में, आ गया दोनों पॉइंट सिलेंड्रिकल में थे और डिस्टेंस हमने डायरेक्टली निकाल ली। अगर वैसे रूल लगाऊं मैं, मान लीजिए वो वाला जो फॉर्मूला आप लगाते हो, वो वाला रूल लगाऊं तो उससे भी वही आएगा, R2 माइनस R1 का स्क्वायर नहीं प्लस फाइव माइनस फाइव का स्क्वायर जीरो प्लस जेड माइनस जेड का स्क्वायर जीरो, इसका मतलब क्या आंसर आया, R2 माइनस R1, मजे आ गए। इसका मतलब हमने तो डायरेक्टली निकाल दिया, यहां पर तो निकल सकता है, बिल्कुल सही है, हमें दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने की जरूरत नहीं पड़ी बहुत। बट इमेजिन कीजिए दूसरे सिलेंडर पे पी पॉइंट, पी वन पॉइंट मेरा यहीं पे है आर वन फाइव जेड, दूसरा जो है मैंने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा इसका एंगल बदल दिया हमने और रेडियस का खैर बदल दी, आर टू इसका एंगल फाइव वन था, इसका मैंने फाइव टू बना दिया और हाइट मैंने सेम रखी, क्या आप इनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते नहीं जी, अब इतना आसान नहीं, अब ये अलग अलग लाइन पे हो गए। अब सोचिए देखो, एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट समय यहां पे है, उसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, इसकी रेडियस अलग है, उसकी रेडियस अलग है, हाइट दोनों भी सेम है, तो हमें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है ना। अब कैसे निकाले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अब आप ये नहीं लगा सकते हो आर टू माइनस आर वन का स्क्वायर प्लस फाइव टू माइनस, क्यों भाई? क्योंकि यहां से एंगल निकलेगा और यहां से क्या निकलेगी डिस्टेंस, समझ आया मेरा पॉइंट? अच्छा, तो ये गलत हो जाएगा, समझ आया? तो इसका मतलब जो डायरेक्ट रूल लगाते हो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये कब एप्लीकेबल है, जब सेम फाई हो, दोनों का एंगल सेम हो, देन ओनली आप ये कर सकते हो। अच्छा, दूसरा दूसरा केस, तीसरा केस देखो, समझ आया? आप यहां पे नहीं लगा पाओगे, गलत है ये, तो अगर डिस्टेंस निकाले तो कैसे निकालेंगे?
कार्टेशियन में कन्वर्ट करो, इनको कार्टेशियन में कन्वर्ट करो, समझ आया, तब जाके निकलेगा। या फिर एक तरीका और है, पहले आप ये डिस्टेंस निकाल दो, डिस्टेंस निकाल दिए, ये तो हमें पता है आर टू माइनस आर वन है, और फिर हमें पता नहीं ये डिस्टेंस, तो एक काम करता मैं आर निकाल दूं, बड़ी परेशानी हो रही थी, ये तो राइट एंगल इससे 90 डिग्री पे नहीं है, यहाँ पे एंगल जरूर 90 है, यहाँ पे एंगल 90 है, क्यों भाई, क्योंकि जो रेडियस होती है, जो जो आर्क होती है वो रेडियस से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, नहीं समझे क्या, सिलेंडर में जो ऐसे लाइन होती है ये रेडियस से क्या होगी, परपेंडिकुलर से ऐसे आएगी, बट द प्रॉब्लम इज ये स्ट्रेट लाइन नहीं है आगे वाली, ये तो आर्क है, अगर ये स्ट्रेट होता तो मजा आ जाता, ये लेंथ निकाल लेता समाओ, ये लेंथ मुझे पता है, मैं पाइथागोरस लगा लेता, समझ रहे हो, पर प्रॉब्लम है अभी नहीं निकाल पाओगे इस तरह से, तो आप क्या करोगे बताओ, क्या करना पड़ेगा आपको, कार्टेशियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदर एंगल मेरा क्या है डिफरेंट है, अभी काम करते हैं एंगल सेम रखते हैं और जेड को वेरी करते हैं, तीसरा पॉइंट जरा देखिए, मेरा पी वन और पी टू का एंगल मैं सेम रखता हूँ आर और जेड को वेरी करता हूँ, जरा देखिए क्या होगा, आप बताओ अब आप कर पाओगे क्या, देखिएगा ये मेरा P1 पॉइंट है मान लीजिए, इसकी रेडियस है R1 और हाइट है कुछ Z, ठीक है Z हाइट है और एंगल कुछ फाई है, ये X एक्सिस है मान लीजिए, इधर मेरा Y एक्सिस, ये फाई एंगल इसे, ठीक है भाई, और रेडियस इसकी R1 है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक दूसरा सिलेंडर लिया और उसके ऊपर कोई पॉइंट ले लिया P2 और जो P2 पॉइंट है मेरा उसका एंगल सेम है वही वाला जो इसका था वही इसका भी है, इसका मतलब दोनों पॉइंट एक ही प्लेन में लाई करेंगे, दोनों पॉइंट एक ही प्लेन में लाई करेंगे, भाई देखो पहला सर्कल छोटा था, ठीक है रेडियस छोटी थी उसकी और पॉइंट यहां पे था, दूसरे में और एक्स से कितना एंगल है फाइव, दूसरा जो सर्कल था वो कहा था इससे थोड़ा बड़ा था और एंगल क्या था, एंगल सेम है, हाइट थोड़ी बड़ी है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट P1 है तो P2 कहाँ पे होगा बताओ, P2 समय यहाँ पे होगा, सेम एंगल पे होगा, सेम प्लेन में होंगे दोनों पॉइंट, सेम प्लेन में होंगे, समझे मेरा पॉइंट भाई, क्योंकि एंगल सेम है ना x के साथ एंगल सेम है भाई, तो एक पॉइंट तो छोटी रेडियस पे होगा P1 पॉइंट और एक P2 पॉइंट कहाँ पे है, बड़ी रेडियस पे, तो बाहर की तरफ निकल गया और हाइट भी ले ली उसने, बट जो ये वाली प्लेन है फाई वाली वो क्या है दोनों के लिए सेम है, अब आप सोचो एक पॉइंट यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे, मुझे ये हाइट पता है और मुझे ये हाइट भी पता है, ये डिस्टेंस कितनी बताओ, ये आर टू माइनस आर वन है क्योंकि बाहर की तरफ देखो कितना है, और ये डिस्टेंस कितनी है, कितनी हाइट पे है, जेड टू माइनस है, तो हमारे पास ये वाली आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी, आप विजुलाइज करके देखो ना, आपके पास ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, नहीं समझ आया बहुत सारे लोगों को, बड़ा बढ़िया कंसेप्ट है, जरा सोचिए इसका मतलब फिर से निकलेगा, आप फिर से लगा सकते हो फॉर्मूला कैसे, जरा देखिए मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, सुनिएगा मैंने बोला इस बार मेरे पास क्या है, मेरे पास फाई सेम है, दोनों पॉइंट सिलेंड्रिकल में है, फाई सेम है, क्या डिफरेंट है बताओ, आर डिफरेंट है और हाइट डिफरेंट, तो मैंने बोला पहले वाले की रेडियस है आर वन और एंगल है फाई और हाइट है जेड, तो मान लीजिए वो इस सर्कल पे लाई कर रहा है, यहाँ पे कोई सर्कल है मान लीजिए, या फिर आप इमेजिन करो कि यही है, ये इस सर्कल पे लाई कर रहा है ये वाला पॉइंट यहाँ पे, अब मैंने दूसरा पॉइंट मैंने बोला दूसरे पॉइंट का फाई तो सेम है, मतलब एक्स से इतना ही डिग्री इधर है, इतना ही है इधर, फाई सेम है बट क्या चीज डिफरेंट है, हाइट और रेडियस, तो अब आप सोचो दूसरा पॉइंट कहाँ पे होगा, समय यहाँ पे नहीं होगा, उसकी रेडियस अलग होगी, रेडियस बड़ी होगी और हाइट भी ऊपर हो गया, इसका मतलब पॉइंट जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, इस सर्कल पे लाई करेगा, इधर का ही पॉइंट होगा, सही बात है, लेकिन इसी प्लेन में होगा, फाई तो दोनों का सेम है ना, तो ये वाला एंगल आपका सेम रहेगा, सही बात है, एक पॉइंट यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया, अब मुझे इनके बीच की ये वाली डिस्टेंस ही है, ये वाली डिस्टेंस ही है बीच की, अब ये कैसे निकाल रहे डिस्टेंस बीच की, जरा देखो मुझे बताओ कितना ये वाली डिस्टेंस कितनी हाइट में, कितना ऊपर है ये जेड टू माइनस जेड वन और कितना बाहर की तरफ है आर टू माइनस आर वन और ये जेड टू माइनस जेड वन, तो बीच वाली नहीं आ जाएगी, क्या आएगी आर टू माइनस आर वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन, और रूल से भी वही बनेगा भाई, इसका P1 पॉइंट है मेरे पास, P1 है R1 phi Z1, ठीक है जी, और दूसरा वाला कौन सा है R2 phi Z2, दूसरा ये पॉइंट है P2 का, अब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं जरा देखो तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगा, क्यों R2 माइनस R1 का स्क्वायर
ये भी डिस्टेंस है और फाई से फाई तो कट गया, रेडियन एंगल तो आया नहीं कहीं पे, तो अगली भी क्या बची थी, अब ये भी डिस्टेंस ही बची, बढ़िया है, तो ठीक है लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, समझा? इसका मतलब क्या हुआ कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, अगर दोनों सिलेंड्रिकल में है तो निकाल सकते हो, बट एक कंडीशन है क्या, एंगल सेम होना चाहिए बस, उसके बाद तो वही फॉर्मूला लगेगा जो कार्टेशियन में हम लगा रहे थे, एंगल सेम होना चाहिए, अगर एंगल डिफरेंट है तो नहीं लगा पाओगे भाई, चाहे बेशक सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो दोनों पॉइंट, फिर क्या करना पड़ेगा उनको, उनको कार्टेशियन में लाना पड़ेगा, उनको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके डिस्टेंस आएगी, समझ आया क्या मेरा पॉइंट? अदरवाइज अगर एंगल सेम है तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, वही बात, एंगल सेम होना चाहिए कंडीशन के, एंगल डिफरेंट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, बस ये ध्यान रखिए। तो मैंने बताया कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या निकालते हैं, कन्वर्जन मैंने बताया कि कैसे करते, ठीक है, एक दो क्वेश्चन होंगे, मैं रब कर दूं, ये पॉइंट लिख लिया आपने, नोट कर लेना है पॉइंट, इसको समझिएगा अभी, इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाइए, इसको 3D व्यू आप देखिएगा, इमेजिन करो कि मेरे हाथ में ऐसा कुछ ताकत होती कि मैं ऐसे लाइन लगाता, जैसे मूवीज में देख रहा हूँ, वो कौन सी मूवी आती है, वो आयरन मैन, नहीं उसमें एक लाइन लगाता है, वो लाइन लग जाती है, हाँ कई बार मैं भी ये सोचता हूँ ऐसा अगर होता तो टीचिंग कितनी बढ़िया आसान हो जाती, ठीक है, तो मतलब हम कोई ऐसा लाइन लगाते और मैं अगर ऐसा लाइन लगाते उससे वो बन जाता, ठीक है, तो अच्छा होता, बहुत बढ़िया होता, क्या मतलब बहुत सारी चीज़ें बड़ी ईजी हो जाती, मैं भी आगे आसान हो जाएंगी चीज़ें हमारे लिए, ठीक है, टीचिंग बहुत आसान हो जाएगी, खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ चीज़ें आपको विजुलाइज करनी पड़ेगी, तो आप इसको विजुलाइज कीजिएगा कि ये कैसे डिफरेंट है, ठीक है, चलिए मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं रब कर, नेक्स्ट पिक्चर देखिएगा, तो मैंने बताया कि कैसे कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है, एक और चीज देखिए, अगर मुझे वेक्टर को कन्वर्ट करना हो, ये तो मैंने पॉइंट को कन्वर्ट किया ना, अगर मुझे वेक्टर को कन्वर्ट करना हो, या फिर जरा देखिए एक और बात बताता हूं, एक पॉइंट ऑफ P1, एक पॉइंट ऑफ P2, ध्यान से देखिएगा, ये इंटरेस्टिंग है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया 1, 2, 3, इसे दिख रहा है थोड़ा बड़ा लिखो, 1, 2, 3 इसे नजर आ रहा है, बड़ा लिखो, ठीक है, बड़ी तेज आ गया, 1, 2, 3 और ये है मान लीजिए 1, 4 या 2, 4, 6 क्योंकि ऐसा है, तो अगर मैं बोलूं कि P1 P2 वेक्टर बताओ क्या आएगा, बड़ा आसान है आपके लिए, इसे निकालो भाई P1 P2 वेक्टर क्या आएगा, 2 - 1 1 i cap प्लस 4 - 2 2 j cap प्लस 3 k cap, तो आसान था, बट अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, P1 2 30 degree 4 P2 5 60 degree 8 और मैं आपसे पूछूं, बताओ P1 P2 वेक्टर क्या आएगा, सेम वही रूल लगाओगे क्या, चलो लगा के देखते हैं एक बार, ट्राई तो करके, ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं, बताओ क्या बनेगा, 5 - 2 3 i cap प्लस 60 - 30 क्या बनेगा, 30 degree जे का, ये क्या यार, ये तो मीटर में था और ये डिग्री में गलत ही हो गया, ये नहीं कर सकते हो, इसका मतलब वेक्टर को अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकाल, पॉइंट को कन्वर्ट कर दोगे आप, पॉइंट को तो कन्वर्ट हो जाएगा, कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन हो जाएगा, पॉइंट में कोई इशू नहीं है, पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मुझे वेक्टर को देखना, अगर मुझे सिलेंड्रिकल में वेक्टर चाहिए भाई, तो मैं कैसे निकालू, मेरे पास कार्टेशियन में वेक्टर मुझे आ गया मेरे पास मान लीजिए, ठीक है, दो पॉइंट के बीच अगर कार्टेशियन में दो पॉइंट दे रखे, मैं कार्टेशियन में वेक्टर निकाल सकता हूँ, अगर वही वेक्टर मुझे सिलेंड्रिकल में निकालना हो, सिलेंड्रिकल में क्या निकालें, आप बोलोगे सर नहीं इनको कन्वर्ट कर लो, किस में कन्वर्ट करेंगे, आई जे के में, कार्टेशियन में, तो वेक्टर जो बनेगा वो किस में बनेगा, बट मुझे तो चाहिए ही नहीं कार्टेशियन में, मुझे तो कॉल किस में चाहिए, मुझे तो सिलेंड्रिकल में चाहिए, इसका मतलब कन्वर्जन का क्या फायदा हुआ, फिर आई और जे की जगह आर और थीटा ऐसे क्या लगा दोगे, सेम थोड़ी जाएगी भाई, ये आई जे में के में आ गया, कुछ भी आ गया, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो, चलो
उसके बाद बोलेंगे चलो आई जेके में आ गई और फिर आई जेके की जगह पे क्या कर दो आर फाइव जेड गलत है ऐसे कैसे कर दोगे समझ आएगा प्रॉब्लम क्या है मेरी पहले प्रॉब्लम को समझिए फिर उसका सॉल्यूशन निकाल दे मैंने बोला की तरह देखिए हम इन पॉइंट से वेक्टर बनाना है पी वन पी टू अब पी वन पी टू मैं कार्टेशियन में तो निकाल दूंगा कोई इशू नहीं है इनको आप पॉइंट्स को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दो और निकाल दो रूल आपको पता है कार्टेशियन में तो बड़ा आसान होता है रूल बट मुझे उसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है पी वन पी टू वेक्टर को ही बट अलग डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना डिफरेंट कौन से सिलेंड्रिकल मतलब आर कैप फाई कैप जेड कैप की टर्म रिप्रेजेंट करना ना कि आई कैप जे कैप के कैप की टर्म रिप्रेजेंट करना समझ आ गया पॉइंट अब ये कैसे करें ये तो मुसीबत है ठीक है आप कैसे करें जरा देखिए तो आप लिखिए कन्वर्जन ऑफ वेक्टर तो वेक्टर कैसे कन्वर्ट करते हैं ठीक है वेक्टर को कैसे कन्वर्ट करते हैं कार्टेशियन में मुझे पता है पॉइंट को कन्वर्ट करना मेरे पास आ गया है अब मैं वेक्टर को कैसे कन्वर्ट करता हूँ वो जरा देखिए वेक्टर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो जरा देखिए क्योंकि वेक्टर हमें चाहिएगा कई बार सिलेंड्रिकल में चाहिएगा कई बार कार्टेशियन में चाहिएगा तो अच्छा एक बात और बताओ जरा जो वेक्टर मेरा कार्टेशियन में आएगा पी वन पी टू का अगर मैं उसको कन्वर्ट कर दू सिलेंड्रिकल में तो वेक्टर तो वही है बस उसका नाम बदल गया ऑब्वियसली पी वन पी टू या पॉइंट कौन से पॉइंट फिक्स है एक पॉइंट यहाँ पे तो वेक्टर तो इधर आएगा पी वन पी टू तो चाहे पॉइंट को कार्टेशियन में लो चाहे सिलेंड्रिकल में लो वेक्टर तो वही आएगा हाँ लेकिन नोटेशन बदल जाएगा उनकी वैल्यूज बदल जाएंगी कॉम्पोनेंट बदल जाएंगे क्यों क्योंकि एक में आई कैप जे कैप के कैप कॉम्पोनेंट देखते हैं और एक में आर कैप फाई कैप जेड कैप कॉम्पोनेंट देखते हैं बट फाइनली जो वेक्टर आएगा वो सेम रहेगा नहीं समझे क्या साहब मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ गोल्ड को सोने को हिंदी में सोना बोलते ना अरबी में चले जाओ क्या बोलेंगे उसका नाम क्या होगा पता नहीं मुझे नहीं पता क्या होगा मतलब कुछ डिफरेंट होगा मुझे पता है कुछ डिफरेंट होगा आप समझ रहे हो सोने को जो गोल्ड होता है सोने को हिंदी में सोना बोलते हैं अरबी में कुछ और बोलते हैं बट है तो गोल्ड ही ना मेन चीज तो वही है ना तो वेक्टर तो वही रहेगा उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके बदल जाएंगे कार्टेशियन में आई जे के की टर्म दिखाएंगे उनका कॉम्पोनेंट अलग होगा सिलेंड्रिकल में आर फाई जेड कैप की टर्म दिखाओगे बट उनके जो कॉम्पोनेंट आएंगे वो क्या आएंगे वो डिफरेंट आएंगे समझ रहे हो मेरा पॉइंट तो सही अब कन्वर्जन देखते हैं तो अभी के वेक्टर कन्वर्जन पॉइंट कन्वर्जन मैंने सिखाया अभी अब आते हैं वेक्टर कन्वर्जन पे जरा देखिए कैसे करेंगे वेक्टर कन्वर्जन और फिर इन दोनों पे क्वेश्चन करेंगे पॉइंट कन्वर्जन और वेक्टर कन्वर्जन देखिए अभी वेक्टर कन्वर्जन कैसे करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी देखिएगा मान लीजिए मेरे पास कोई वेक्टर है और वो कार्टेशियन में तो सबसे पहले लिखिए कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल वेक्टर ये डिफरेंट है ध्यान रखिएगा वेक्टर कन्वर्जन और पॉइंट कन्वर्जन बिल्कुल डिफरेंट है ठीक है देखिए कैसे मान लीजिए कोई वेक्टर दे रखा है कार्टेशियन में ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप मान लीजिए कार्टेशियन में मुझे वेक्टर दे रखा है ए एक्स क्या है बताइए ए एक्स क्या है कॉम्पोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स कैप ए वाई कैप कॉम्पोनेंट ऑफ ए या प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ वाई कैप एंड दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन जेड कैप अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किस टर्म में किस में कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मतलब वेक्टर मेरा वही रहेगा ए बट मैं यहां पे एक्स कैप नहीं चाहता मैं यहां पे क्या चाहता हूं आर कैप और यहां पे क्या चाहता हूं फाई कैप और यहां पे क्या चाहता हूं जेड कैप तो मेरे ये कॉम्पोनेंट बदलेंगे ये आएगा ए आर ये आएगा ए फाई और ये क्या आएगा ए जेड समझ रहे हैं आपको ये कॉम्पोनेंट बदलेंगे तो दिक्कत बताइए ये कॉम्पोनेंट बदलेंगे इनकी वैल्यूज बदलेंगी मान लीजिए मुझे ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू दे रखी है मुझे वैल्यू निकालनी है ए आर की ए फाई की है ए जेड की तभी तो सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कर पाऊंगा मैं समझ आया तो जरा देखिए कैसे वैल्यू निकालते सबसे पहले ए आर क्या है बताओ मेरा ए आर क्या है बताओ ए आर को अगर मैं नाम दूंगा तो क्या नाम दूंगा ए आर इज कॉम्पोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ आर क्या तो आप लिखो ए आर इज कॉम्पोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन आर इन द डायरेक्शन आर क्या कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन आर क्या ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है अब सुनो
तो ए आर को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए आर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट आर कैप, क्या कहते हैं? कल सीखा हमने ये डॉट प्रोडक्ट में, किसी का भी कॉम्पोनेंट निकालो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या करो उस डायरेक्शन के साथ क्या ले लो, डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट आर कैप। और ए वेक्टर मुझे पता है कहाँ है, ए वेक्टर तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, मैंने कहा ना वेक्टर तो सेम ही रहेगा, गोल्ड तो गोल्ड ही रहेगा, चाहे उसको हिंदी में बोलो चाहे उसको अरबी में बोलो, नहीं तो इसका मतलब ए वेक्टर तो यही है, उसका किसके साथ डॉट ले लो, आर कैप के साथ ले लो, उससे क्या निकल आएगा, ए आर। तो बोला ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर हमें ये दे रखा है, कार्टेशियन वाला उठा लो, तो कार्टेशियन वाला उठाएंगे तो क्या आएगा, ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप, और डॉट क्या रहेगा, आर कैप। सही बात है। अब बताओ इस आर कैप को अंदर लेके आओ तो क्या बनेगा, ये ए एक्स एक्स कैप डॉट आर कैप प्लस ए वाई वाई कैप डॉट आर कैप प्लस ए जेड जेड कैप डॉट आर कैप। सही बात है, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई परेशानी तो पूछिए भाई। बहुत बढ़िया, ए एक्स ए वाई ए जेड मुझे दे रखे हैं और मुझे ए आर निकालना है, चलो देखिए कैसे निकालेंगे। ए एक्स की वैल्यू मुझे पता है, बस मुझे ये निकालना है डॉट प्रोडक्ट क्या है, एक्स कैप और आर कैप का क्या डॉट प्रोडक्ट आएगा, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप बताओ एक्स कैप किधर होता है, इधर, आर कैप किधर होता है, उधर, मे बी जनरलाइज डायरेक्शन ले लो ना, बीच में एंगल क्या है, फाई। तो बताओ जरा एक्स कैप डॉट आर कैप को क्या लिखेंगे, एक्स कैप डॉट आर कैप इज इक्वल टू एक्स कैप का मैग्नीट्यूड व्हिच इज 1, क्योंकि डायरेक्शन है ये, यूनिट वेक्टर है ये, इनटू आर कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ फाई। क्या है ये, ये तो कॉस फाई आ गया, दिस इज इक्वल टू एक्स कॉस फाई, एक्स कॉस प्लस बताइए ए वाई वाई कैप डॉट आर कैप, वाई कैप डॉट आर कैप क्या बनेगा, वाई और आर के बीच क्या एंगल होता है, आर इधर है और वाई इधर, मेरा एक्स के साथ फाई है तो इधर क्या होगा, 90 माइनस फाई। तो आप बताओ, अब बताओ वाई कैप डॉट आर कैप क्या आएगा, वाई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू आर कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ वाई, और आर के बीच कितना एंगल होता है, यार ये वाला याद रखो ना, अगर किसी को दिक्कत हो तो ये वाला याद रखो, ये एक्स कैप है, ये वाई कैप है, और ये आपका आर कैप है, और ये एंगल है फाई, तो एक्स कैप और आर कैप के बीच फाई एंगल है, आर कैप और वाई कैप के बीच कितना एंगल है, 90 माइनस फाई, तो कॉस 90 माइनस फाई। समझ आया, तो क्या बनेगा ये, साइन फाई। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए वाई साइन फाई प्लस जेड कैप डॉट आर कैप जीरो, क्यों, क्योंकि आर कैप किधर है, जेड कैप बाहर की तरफ है, तो 90 हो गया ना, तो कॉस 90 जीरो, तो बस ये आएगा, दिस इज ए आर, दिस इज ए आर, ये आपका ए आर आएगा। ए एक्स ए वाई आपको पता है, अब फाई दिया जाएगा आपको, तो पुट कर दो उससे क्या बन जाएगा आपका, ए आर बन जाएगा। समझ आया, क्लियर, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए ए फाई, आप बताइए फिर ए फाई को कैसे ले जाओ, ए फाई क्या होता है बताओ, कॉम्पोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप, कौन सा फाई कैप। अब बताओ निकालो फिर, वो बन जाएगा ए डॉट फाई कैप, ठीक है, निकालो ए फाई, ए फाई की वैल्यू बताओ क्या आएगी, करो भाई ए फाई की वैल्यू बताइए क्या आएगी, जल्दी करें। अब यहां पे एक और प्रॉब्लम आई, देखना पहले तो आप निकाल लो ए फाई ए जेड निकाल दो, उसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम, ए आर ए फाई ए जेड निकाल दीजिए, बताइए क्या बनेगा वो। हाँ जी करें, देखिए मैं अब कर रहा हूं इसको, बताइए ए फाई क्या आया, ए फाई देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ए फाई फाई डायरेक्शन ये है, देखो यहां पे फाई कैप, तो ए फाई क्या आएगा, ए फाई इज इक्वल टू ए डॉट फाई कैप, ए का कॉम्पोनेंट फाई की तरफ, तो बताओ जरा क्या बनेगा, ए की ए ए ये रहा मेरे पास, तो क्या बनेगा ये बनेगा ए एक्स एक्स कैप डॉट फाई कैप प्लस ए वाई वाई कैप डॉट फाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप डॉट फाई कैप। मैं आपको बता दूं ये ईएमएफटी का सबसे मुश्किल पार्ट है, वो ये सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल ये समझ गए, इतना मुश्किल आपको और कोई नहीं लग नजर आएगा, बाकी सब कुछ आसान है ये, ठीक है, बट ये शुरू में ही ब्लास्ट होता है, मैथ्स थोड़ा सा मुश्किल आएगा इसका, और वो शुरू वाले चैप्टर में याद रहता है।
उसके बाद आपका पूरा EMFT बड़ा आसान है. यही सबसे मुश्किल पार्ट है जो आप अभी कर रहे हो, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल. अभी तो स्फेरिकल आएगा तो और मुश्किल हो जाएगी अगर आप सही से नहीं समझे तो. ठीक है, अल्लाह देखिए, और रट्टा नहीं मार रहे हैं, रट्टा काम नहीं करेगा. कुछ लोग रट्टा मार लेते हैं, मेरी इसका ये कंपोनेंट इधर ये आएगा ये आएगा, या कुछ मैट्रिक्स बना के लोग याद करते हैं. क्या जरूरत है याद करने की, कुछ भी याद नहीं करते, सब कुछ समझिए. ठीक है, जरा देखिए एक्स कैप और फाई कैप के बीच का एंगल क्या है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वन वन है, बस एंगल ही चाहिए अपने को. एक्स कैप मेरा इधर है और फाई कैप मेरा इधर, मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूं पीछे, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं. अब बताइए ये एंगल क्या है एक्स कैप और फाई कैप के बीच, ये एक्स कैप इधर है और फाई कैप मेरा इधर है. मुझे ये एंगल चाहिए क्योंकि दोनों बाहर निकल रहे हैं इस पॉइंट से, दोनों बाहर निकल रहे हैं तो ये वाला चाहिए आपको, अंदर ये वाला नहीं चाहिए. अच्छा ये वाला एंगल बता दो एक बार क्या आएगा, ये फाई है 90 है तो ये क्या आएगा 90 माइनस फाइव, तो ये क्या आएगा 90 प्लस 5. तो कोस 90 प्लस 5 करोगे क्या आएगा, माइनस कोस 90 प्लस 5, सेकंड क्वाड्रेंट चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस साइन 5. सही है जी, प्लस ए वाई इंटू बताओ वाई कैप डॉट फाई कैप. अब वाई कैप मेरा इधर है और फाई कैप तो थोड़ा और एक्सटेंड कर दो आगे, एक बार बोर्ड में देखे भाई, फाई कैप को मैंने एक्सटेंड कर लिया इधर आगे, ये मेरा फाई कैप डायरेक्शन है और ये मेरा वाई कैप डायरेक्शन है. अब यहाँ से दोनों निकल रहे हैं क्योंकि हमें निकलने वाला देखना होता है एक पॉइंट से. अब ये एंगल चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, दोनों निकल रहे हैं वो वाला चाहिए जहाँ से. तो अब ये कैसे निकालेंगे, मुझे एक बात बताओ जरा, अगर ये एंगल आ जाएगा ये भी आ जाएगा, ये कैसे निकालेंगे, ये 90 है और ये कितना एंगल 90 माइनस फाइव है, तो ये क्या बनेगा, ये पूरा ट्रायंगल सोच लो ना, इस पूरे ट्रायंगल में देखो ये 90 है और ये 90 माइनस फाइव, तो ये क्या आएगा फिर 5, तो ये भी क्या आएगा फिर 5. समझ आया अभी, एक बार देखो ज्योमेट्री कैसे लगाई मैंने, 90 है ये 90 माइनस फाइव है, तो पूरा बड़े वाला ट्रायंगल ले लो, ये 90 माइनस फाइव फाइव आ जाएगा और यही एंगल फिर यहाँ पे आएगा. अब आप बताइए फाइव कैप डॉट वाई कैप क्या आएगा फिर, कॉस फाइव, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो बनवा आएगा ना, कॉस फाइव. अगला बताओ क्या आएगा, जेड कैप डॉट फाइव कैप, जेड कैप तो इससे परपेंडिकुलर होता है फाइव से, ठीक है, दोनों के बीच एंगल 90 है, जेड कैप आपका बाहर की तरफ है ये इधर है, तो दोनों के बीच एंगल 90 है, क्या आएगा इनका डॉट ब्लैक जीरो, तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास ए फाइव, ये आ गया ए फाइव. समझ आया अभी, इस तरह से हमें ए फाइव निकाला, ए एक्स और ए वाई हमें पता है तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको रट्टा नहीं मार रहे हैं, ऐसे हर बार ऐसे सोच रहे हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, जैसे आप प्रूफ करते हो वैसे आप क्वेश्चन को करो, इससे आपको प्रूफ भी याद रहेगा, इससे आपको क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा. समझ आया, तो जिस तरह का प्रूफ होता है फॉर्मूले रटने पर मत ध्यान दो कि जस्ट उसका फाइनल रिजल्ट डाल दे बस काम चल जाएगा अपना, ऐसा काम नहीं करना, ठीक है. नेक्स्ट आप बताइए ए जेड, इसके लिए मेहनत नहीं करनी, अच्छी बात बच गए थोड़ा सा. तो कुल मिला के ए आर ए फाई ए जेड इस तरह से निकालेंगे अगर मेरा वेक्टर किसमें है, कार्टेशियन में है. एक क्वेश्चन हो जाए, चलिए एक क्वेश्चन करते, जो पॉइंट है मेरा पी पॉइंट, हम देखते हैं उसका एक्स में क्या प्रोजेक्शन है, एक्स में कितना पार्ट ये वो कर रहा है, मतलब जैसे कोई पॉइंट दिया 2, 3, 4, ये कोई वेक्टर नहीं है, ठीक है. इसमें तो हम क्या करते हैं इसी पॉइंट को आर फाई जेड में दिखा देते हैं, बस पॉइंट को अगर आप दिखाते हो तो आप ये कह सकते हो कि सर मैं ये मेरा पॉइंट था कार्टेशियन में, मैं इसको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कर रहा हूं, अब ये वेक्टर नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा वेक्टर, बिकॉज एक तो पॉइंट है, वेक्टर लिए क्या चाहिए दो पॉइंट, तो हमने कुछ नहीं किया उसी जगह को सेम जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए आर फाई जेड का सहारा ले लिया. पहले हम किसका सहारा ले रहे थे, एक्स वाई जेड का, अब उसी पॉइंट को उसी जगह को रिप्रेजेंट कर लेगा आर फाई जेड का सहारा ले लिया, इसका तो कोई वेक्टर नहीं है,
the key point is directly to the to 2i cap plus 3j cap plus 4j cap in the first part. नहीं, वो तो तब होगा जब दूसरा point आप कहाँ ले रहे हो origin पे. वो तो तब होगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है. जैसे आपने ये point लिखा, बोले भी मैं ये बोल रहा हूँ 2i cap plus 3j cap plus 4k cap. ये कोई vector है? तो क्या आप इसको इस तरह represent कर सकते हो? 2, 3, 4. गलत है. ये तब represent कर सकते हो. जब आप इसको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखते हो, इसका मतलब अगर ये पोजीशन वेक्टर होता ना किसी चीज का, ये पोजीशन वेक्टर होता तब आप इसको ऐसे लिखते, क्योंकि पोजीशन ऑलवेज किसके रेस्पेक्ट में देखी जाती है? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में दी जाती है. अगर मान लीजिए मैं बोलता ए बी वेक्टर है, ठीक है, तो ए बी वेक्टर होता बी की पोजिशन माइनस ए की पोजिशन. इसका मतलब बी की पोजिशन माइनस ए की पोजिशन है ये 2, 3, 4. तो आप इसको ये नहीं कह सकते बी मेरा 2, 3, 4 पे है. ना ना ना, ये क्या है, बी और ए का डिफरेंस है ये. आप समझ रहे हो, पोजीशन का डिफरेंस है. तो आप ये नहीं कह सकते हो कि उसकी पोजीशन 2, 3, 4 पे आएगी. आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? ये हुआ, ये एक अच्छा डाउट है. आप इस तरह नहीं लिख सकते हो. हाँ, अगर ये कहो कि ये ओ बी है मेरा, ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन है, फिर आप कह सकते हो कि बी कहाँ पे आएगा? 2, 3, 4 पे. लेकिन अगर ये दो वेक्टर के बीच की डिस्टेंस है, दो वेक्टर के दो पॉइंट के बीच का वेक्टर है मान लीजिए ए और बी का, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि बी मेरा यहाँ पे आएगा. क्यों भाई? ए की भी कुछ पोजीशन होगी, बी की भी कुछ पोजीशन होगी, उनको सबट्रैक्ट करने पे आएगा ना ये तो ए बी वेक्टर. तो आप ये कैसे कह सकते हो कि 2, 3, 4 ए पे आएगा या बी पे आएगा? नहीं कह सकते. मेरा पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हुआ. तो मैंने बताया कि किस तरह से वेक्टर को कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से पॉइंट को कन्वर्ट करते हैं. अब एक और दिक्कत है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि फाई कैसे निकालोगे. ए एक्स ए वाई ए जेड तो आपको दिया जाएगा. जैसे यहाँ पे देखो ए एक्स है, ए वाई है और ए जेड है, ये तो दे दिया आपको. अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहोगे सिलेंड्रिकल में तो आपको क्या चाहिएगा? फाई, एंगल चेंज. अब एंगल कैसे निकालोगे? इसका टेन इनवर्स. नहीं नहीं, टेन इनवर्स फाई निकालेंगे तो पॉइंट का इनवर्स होता है, डिस्टेंस का इनवर्स होता है. टेन इनवर्स वाई बाई एक्स होता है फाई निकालना. लेकिन कहाँ है वाई? वाई कहाँ है, एक्स कहाँ है? समझा पे डाउट समझा पहले मुझे तो. चलो देखिए, मैं एक बार इसको रन कर रहा हूँ, देखिएगा. मैं एक बार प्रॉब्लम समझाता हूँ, क्या प्रॉब्लम आती है. अब नई प्रॉब्लम आई है, देखिएगा. तो सुनो, मैंने बोला सर देखो अभी तक मैंने क्या समझाया, एक बार प्रॉब्लम में बाद में आते. अभी तक देखिए मैंने क्या समझाया. मैंने बोला एक्स वाई जेड, मेरे पास कार्टीजन था, उसको हमने आर फाई जेड में कन्वर्ट करना सीखा. पॉइंट को कन्वर्ट करना सीखा. कैसे कन्वर्ट किया बताओ? आर क्या होता है? आर इज इक्वल टू आर. मे बी एक्स क्या होता है? अगर इससे इस पे आऊंगा, मान लीजिए इधर से इधर आऊंगा, तो बताओ क्या आएगा? एक्स क्या होगा? आर कोस वाई. आप वो पिक्चर ध्यान रखो, बस वो प्रोजेक्शन वाली. और वाई क्या आएगा? आर साइन वाई. और जेड क्या आएगा? जेड. लेकिन अगर मैं वापिस आऊंगा तो क्या होगा बताओ? वापिस आऊंगा तो आर क्या आएगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. याद है आपको, इसी से बताएगा. वैसे तो नेक्स्ट आप बताइए फाई क्या आएगा? टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स. और जेड तो वापिस सही नहीं आएगा जी. तो ये मैंने देखा, सिलेंड्रिकल टू कार्टीजियन एंड कार्टीजियन टू सिलेंड्रिकल कन्वर्ट करने का तरीका. ये तो पॉइंट को कन्वर्ट करने का तरीका. अब आते हैं वेक्टर पे. तो वेक्टर में अभी तक सिर्फ हमने एक ही देखा है, कौन सा? कार्टीजियन टू सिलेंड्रिकल. तो एक्स वाई ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप. मान लीजिए कोई वेक्टर दे रखा था, ए वेक्टर कार्टीजियन में दे रखा था, हमने इसको कन्वर्ट किया है किसमें? ए वेक्टर को ए आर आर कैप प्लस ए फाई फाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप. हमने इसको किसमें कन्वर्ट किया है? सिलेंड्रिकल में. तो ए आर जो हमें जरूरत पड़ेगी ए आर की, ए आर क्या आया बताओ? क्या याद नहीं करना? ए एक्स मुझे याद नहीं है, तो करके देखना पड़ेगा, बट अभी फिलहाल तो बता दो ना मुझे. ए एक्स कितना आया? कॉस वाई प्लस ए वाई साइन वाई. इसका रट्टा नहीं मारना भी, क्योंकि आगे और भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, याद नहीं कर पाओगे इन सब चीजों. तो इसलिए जो तरीका था वो याद रखिए. ए आर क्या था? ए आर इज कॉम्पोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप. इसलिए हमने इसके साथ आर कैप के साथ डॉट ले लिया था, याद है आपको. सिमिलरली हमारे पास ए फाई क्या आया था? माइनस ए एक्स साइन फाइव प्लस ए वाई
cos phi. और az क्या आया? az is same as az. ये हमारे पास आया, ठीक है भाई? ये cylindrical में convert होता है हमारा बंदा, ठीक है? अब एक problem इसमें ये है कि phi कैसे निकालें? ये तो हमें दे रखे हैं, ठीक है? ये given है, component. A के component x y z की तरफ given है, पर हमें phi तो नहीं दे रखा. Phi तो तब आए जब कोई point दिया हो. अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं. जैसे मान लीजिए दे दिया 2 i cap plus 3 j cap plus 4 k cap. मान लीजिए कोई a वेक्टर दिया हुआ है, तो कुछ लोग क्या करेंगे? कुछ लोग पहले इसको लिख लो 2 3 4 और इसको फिर कन्वर्ट कर लो कौन से में? सिलेंड्रिकल में. उसे phi आ जाएगा और वो phi यहां पे पुट कर दो. लग तो रहा है कि ठीक है, क्या गलत है बताओ? अभी उन्होंने डाउट पूछा है, अभी उन्होंने डाउट पूछा है. ये मेरा एक वेक्टर है, इससे आप ये नहीं लिख सकते हो कि ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा. ये तो दो पॉइंट का डिफरेंस है. जो वेक्टर होता है वो दो पॉइंट का डिफरेंस होता है. एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वेक्टर कैसे बनाते हैं? एक है 2 3 4. जैसे मान लीजिए एक पॉइंट होता मेरा, मान लीजिए 5 6 7 और दूसरा पॉइंट है, एक पॉइंट ये मान लीजिए और दूसरा पॉइंट है मेरा, सो दैट मैं वही आ जाए मेरे पास, दूसरा पॉइंट है 7 9 11. अब बताओ ये वेक्टर बताओ क्या आएगा? ये वेक्टर आएगा 7 minus 5 i cap माने 2 i cap plus 3 j cap plus 4 k cap, वो तो यही आ गया. बट क्या इसका ये मतलब है कि इसको ऐसे पॉइंट पे रिप्रेजेंट करें? नहीं जी, क्योंकि वेक्टर जो होता है वो दो पॉइंट का क्या होता है? डिफरेंस आता है, दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस आता है, आप समझ रहे हो? तो ये तो अलग अलग पॉइंट है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि इससे ये लिख लो और उससे फाई निकाल लो, ऐसे काम चल जाएगा? गलत है जी, नहीं निकाल सकते. तो फिर फाई कैसे निकाले? विदाउट फाई कन्वर्ट कैसे होगा? विदाउट फाई तो कन्वर्ट होगा ही. इसलिए आपको बताया जाएगा कि ये वेक्टर कहां से शुरू हुआ है. इसका स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाएगा आपको कौन सा. ये वेक्टर स्टार्ट हुआ है कौन से में? मान लीजिए 5 6 7 5 6 7 पॉइंट पे ये वेक्टर है, ठीक है? आपको इसको कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल में. तो आप ax ay az तो यहां से पता चल गया. अब फाई कहां से निकलेगा? फाई कहां से निकलेगा? जिस पॉइंट से शुरू हुआ है उस पॉइंट पे फाई निकाल लो और वो यहां पे पुट करो. समझ आया फाई कैसे निकलेगा? और अगर मान लीजिए पॉइंट नहीं दे रखा तो आप फाई नहीं निकाल सकते, फिर फाई को फाई की तरह लेके चलोगे, छोड़ दो इसको यूं करके. समझ आया? फाई को पुट नहीं करना है फिर जबरदस्ती. क्लियर हुआ मेरा पॉइंट मैं क्या करने जाता हूं? इसलिए आपको बताया जाएगा कि भाई कौन से पॉइंट से वेक्टर स्टार्ट हुआ है, उस पॉइंट पे आप फाई निकाल लो, उस पॉइंट पे आप फाई निकाल लो. क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? ये इस तरह सोच रहे हैं भाई, इस तरह से लेके चल रहे. आई होप आपको ये समझ आया, ठीक है? आई होप आपको क्लियर हुआ, ठीक है? आगे बढ़ सकते हैं. चलिए अब क्वेश्चन करें, एक दो क्वेश्चन करते हैं. देखिए मैं रब कर रहा हूं, ये क्वेश्चन करते हैं भाई. देखिए मैं रब कर रहा हूं, मुश्किल था क्या? समझ आया? पॉइंट क्लियर करो भाई, डाउट नहीं रखना चाहिए मन में, डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी, ठीक है? देखिए अगला एक क्वेश्चन कीजिएगा. एक वेक्टर दे रखा है ए, 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस के कैप एट पॉइंट 230 डिग्री 4. थोड़ा आसान कर दिया आपके लिए. कैसे आसान कर दिया? पहले फाई दे दिया मैंने, वो कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी. अच्छी बात ये होती मैं इसको भी कार्टेशियन में देता तो आपकी दो दो प्रैक्टिस हो जाती, पॉइंट को कन्वर्ट करने की भी हो जाती और आपकी वेक्टर को कन्वर्ट करने. तो क्यों ना फिर ऐसे करें कि 2 3 4 लिख लें इसे, नहीं 2 3 4. अब ये डिग्री में नहीं है, अलग से डिग्री में नहीं है, इसका मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है? कार्टेशियन, ठीक है? तो कार्टेशियन में पॉइंट दे रखा है, ये कह रहा है कि एक वेक्टर है और इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ठीक है? एट दिस पॉइंट एक वेक्टर है, कन्वर्ट दिस वेक्टर इनटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. कन्वर्ट दिस वेक्टर इनटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम करें. अब रट्टा नहीं मारना, पेज पलट के नहीं देख रहे, आप वही काम फिर से करोगे जैसे आई कैप डॉट आर कैप जो आपने किया था,
वही प्रोसेस फिर से करोगे, पेज पलट के नहीं देख रहे कि क्या फॉर्मूला निकला था, उसको छोड़ दो, ठीक है। फॉर्मूला रट्टा मारना ही नहीं तो डिपेंडेंट हो जाओगे आप उस पर, ठीक है। अपने को करना ही नहीं, नई शुरुआत करो फिर से, जैसा डेरिवेशन किया था वैसे ही करो। ए आर निकालना है तो ए डॉट आर कैप लो, और उसमें फिर आई कैप डॉट आर कैप, जे कैप डॉट आर कैप, के कैप डॉट आर कैप, ये निकलेगा। फिर डायग्राम बना लो और उनसे देखो कि आर कैप और आई कैप के बीच का एंगल क्या है, समझ आया। इस तरह सोचिए, करें भी जल्दी करें, देखें करें। पहले आपने कन्वर्ट किया होगा, इससे फाई निकाला होगा क्या है, 56.30। सब गया अभी tan इनवर्स y / x करके से फाई निकाल दिया होगा। अब सुनिए, सबसे पहले ए आर निकाल लें, ए z का पता है, वन के क्या सिलेंड्रिकल में भी वही आएगा। तो आप देखो, कई बार इतनी हिम्मत मत दिखाया करो, आप एक काम करेंगे, अगर ऑप्शन आ रखे तो सबसे पहले वो ऑप्शन ढूंढिए जिसमें ए जेड के क्या लिखा हुआ, तो सिलेंड्रिकल करोगे ए आर ए फाई ए जेड जी ना, तो उसके बाद जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा ए आर आर कैप प्लस ए फाई फाई कैप प्लस ए जेड के कैप, ये आएगा। तो अब ये देखो कौन से ऑप्शन में के कैप वाला कंपोनेंट सेम है, ठीक है। तो ऐसे एक या दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाए, ठीक है, 50-50 में जाओगे एटलीस्ट, ठीक है, वो भी तो एक अच्छी अचीवमेंट है। जरा देखिए ए आर ए फाई ये कैसे निकाले, ठीक है, वो देखिए ए आर कैसे निकालेंगे वो देखिए भाई। ए आर के लिए क्या करेंगे, ए डॉट आर कैप, तो आप सुना आपके दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए, आप बार बार बना के मत देखो, ए के साथ आर कैप का डॉट लेते हैं, जरा देखो टू आई कैप डॉट आर कैप। अब आई कैप अपने पिक्चर में दिमाग में लेके आओ, आई कैप किधर होता था, और सर्कल पर याद रखो आप, आई आई नीचे होता था, आर इधर होता था, ठीक है। तो उनके बीच का एंगल क्या आएगा, फाई, तो कोस फाई, और फाई अपने को पता है, मतलब आप लेबर से बचो ना, इससे आप फास्ट हो जाओगे। दो स्टेप अपने माइंड में सोल्व करो, तीसरा लिखो, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरह करना है। चलिए नेक्स्ट अगला बताओ, नेक्स्ट आर कैप का जे कैप के साथ चाहिए तो क्या आएगा, फाई साइन। तो आप पिक्चर लिया अपने माइंड में कि भाई जे कैप किधर था और आर कैप किधर है, उनके बीच का एंगल किधर है, ठीक है, उससे हो जाए। नेक्स्ट आप बताइए आर कैप डॉट के कैप जीरो, आर कैप डॉट के कैप भी जीरो, बिकॉज आर कैप किधर होता है, के कैप आपका बाहर की तरफ होता है, ठीक है, दोनों में डॉट प्रोडक्ट जीरो है। क्या है बताओ भैया, यार क्या है, उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 5.269, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आप निकालिए ए फाई, ए फाई क्या आएगा, अब सोचो टू आई कैप डॉट फाई कैप, आई कैप नीचे था और फाई कैप किधर था, फाई कैप कुछ इधर था, मेरे ख्याल से सर्कुलर था ना ऐसे, तो कितना था एंगल, 90 प्लस फाई आई थी, ठीक है, अपना पिक्चर याद रखो ना यार, नहीं तो नहीं है तो बना लो, अगर दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। तो 90 प्लस आई तो क्या बनेगा, माइनस साइन ऑफ 56.30। अगला बोलिए प्लस 5 कोस 56.30, बस ये आएगा, बताओ क्या आया, माइनस 4.43 ये आया भाई, है जी 1.11 ये आएगा ए फाइव, और ए जेड क्या आएगा, ए जेड तो बनाएगा। तो नया वेक्टर जो सिलेंड्रिकल में बनेगा वो क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू ए आर 5.269 आर कैप प्लस 1.11 फाई कैप प्लस के कैप 1 के, ये फाइनल आंसर आएगा, ये मेरे पास फाइनल आंसर आएगा। आई होप आपका आ गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, अब जब देखना, अब हम उल्टा करेंगे और आप कर पाओगे, अगर सिलेंड्रिकल में दे रखा हो और अगर अपने को कन्वर्ट करना हो कार्टेशियन में, कोई वेक्टर अगर सिलेंड्रिकल में दे रखा हो कन्वर्ट, और जब देखो इसमें ये कोई थीटा नहीं है, फाई कैप की तरफ जो कॉम्पोनेंट है वो भी लेंथ में है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, वेक्टर में लेंथ आएगी, है जी, ये कैप सेंटर देगी। हाँ जी, चलो देखिए, तो अब मैंने बोला नेक्स्ट, देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन आने वाला हूँ, लेकिन अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई वेक्टर आपको सिलेंड्रिकल में दे रखा और आपको ए एक्स चाहिए, तो ए एक्स के लिए क्या करो, बताओ ए डॉट आई कैप या एक्स कैप, ठीक है,
अब इसके साथ नोट ले लो, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आप कर लोगे, करें जरा। चलिए अब रिवर्स में सोच रहे हैं आपको खुद, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सही करते हैं। एक ही चीज है यार, आर कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आर कैप पहले कर रहे थे यार, वही तो चीज है। अभी अभी आई कैप के साथ नोट लेना है, क्योंकि अपने एक्स निकाल लें, इस बार ए वाई ए जेड निकाल लें, क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं, कर दू नंबर भाई, सेम प्रोसेस है बस उल्टा हो जाएगा इसमें। उसमें आर कैप फाइव कैप जेड कैप के साथ ले रहे थे आप नोट, इसमें किसके साथ लेंगे? आई कैप जे कैप के कैप के साथ लेंगे, तो इजी हो जाएगा, वही चीज है बस। एंगल आपको सोचना है कि भाई क्या क्या एंगल आएगा, वेक्टर ए, ए आपको गिवन है टू आर कैप प्लस थ्री फाइव कैप प्लस जेड कैप, कन्वर्ट दिस वेक्टर इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कन्वर्ट दिस वेक्टर इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट दिस वेक्टर इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कन्वर्ट दिस वेक्टर इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एट द पॉइंट टू 45 डिग्री टू नियर, इसको कन्वर्ट कीजिए भाई कार्टेशियन, मतलब अपने को ax ay az चाहिए, करें सर ax निकालिए पहले, मुश्किल है इतना तो मुश्किल नहीं है सर, हो गया आसान सा है यार। देखो ax कैसे निकालोगे, a डॉट x कैप तो 2 r कैप डॉट x कैप हो जाएगा, प्लस 3 phi कैप डॉट x कैप हो जाएगा, प्लस z कैप डॉट x कैप हो जाएगा, सही बात है? देखो x कैप के साथ डॉट ले लिया मैंने पूरे का, r कैप डॉट x कैप, phi कैप डॉट x कैप, z कैप डॉट x कैप, ठीक है? अब सुनिए ये क्या बनेगा, r कैप डॉट x कैप, r और x के बीच का एंगल देखो क्या phi, तो क्या बनेगा 2 cos phi, 2 cos 45 डिग्री प्लस phi और x के बीच का एंगल क्या है 90 प्लस phi, देखो फटाफट ये बना लिया, तो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, तो भाई एक मिनट लगेगी ज्यादा नहीं, एक मिनट कहाँ, x का और ये phi का, ये कितना आएगा देख लो, अपने को पता है कि इस पॉइंट पे ये phi एंगल है, तो ये कितना आएगा 90 प्लस phi आएगा, ठीक है? तो क्या बनेगा ये माइनस 3 sin phi, देखो जो लोग रट्टा मारेंगे ना उनके लिए बता दूं, उनके लिए मुसीबत रहेगी, क्यों? कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल अलग याद करना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन अलग, और ये तो सिर्फ अभी स्फेरिकल भी शुरू होना अभी, और स्फेरिकल से भी तीनों दोनों में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल से अभी कार्टेशियन में आ रहे हैं, सिलेंड्रिकल से अभी स्फेरिकल में भी जा रहे हैं, कितने सारे रट्टा मारना पड़ेगा, मुसीबत हो जाएगी, इसलिए बेहतर आप समझ लो इसको, ठीक है? तो मैंने बोला फाइव कैप डॉट एक्स कैप क्या बनेगा, ये फाइव और एक्स के बीच का एंगल 90 प्लस फाइव है, cos 90 प्लस फाइव करोगे तो माइनस साइन फाइव, और ये जीरो आएगा, और फाइव की वैल्यू कितनी है 45, तो क्या आंसर आया अभी बताओ, माइनस 0.707 माइनस 0.707 ये आ गया ax। नेक्स्ट आप बताइए ए वाई, ए वाई क्या आएगा, ए डॉट वाई कैप, ए डॉट वाई कैप निकालो तो 2 आर कैप डॉट वाई कैप प्लस 3 फाइव कैप डॉट वाई कैप प्लस जे कैप डॉट वाई कैप, बताओ क्या बनेगा, आर कैप डॉट वाई कैप क्या होगा भाई, साइन फाइव, 2 साइन 45 प्लस फाइव कैप और वाई कैप क्या होगा, कॉस फाइव, 3 कॉस 45 डिग्री, इनके बीच का एंगल मुझे पता है, और जेड कैप डॉट वाई कैप भी 0, तो ये आंसर आ जाएगा इसका ए वाई, और ए जेड तो सेम ही रहेगा, ए जेड तो सेम रहेगा, तो मेरे पास ए वेक्टर आ जाएगा, क्या कहते हो, ए वेक्टर आ जाएगा, लिख लो ए एक्स आई कैप, इसके साथ लिख दो आई कैप, इसके साथ लिख दो जे कैप, और लास्ट 1 के कैप, तो वन नहीं 1 जेड कैप लिख दिया, के कैप समझ आया आपको पॉइंट मेरा, क्लियर है? चलो तो मैंने आपको सिखाया पॉइंट को कैसे कन्वर्ट करते हैं और वेक्टर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? डिस्टेंस कैसे निकालते हैं दो पॉइंट के बीच, अब जरा देखिए अब एक और नई चीज बताने वाला हूं, ठीक है? हां जी सर, कॉस है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं ना? नहीं सेकंड में नहीं होते,
शुक्र बनाओ कि दूसरी क्लास है ठीक है, बता देता हूँ आपको ठीक है। एक लड़का आता आदित्य कहाँ है, आए नहीं है, ध्यान रहेगा ठीक है। कोर्स आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और कुछ लोग इसको बड़ा फनी बनाते हैं ना, ना ना मैं तो कुछ और ही बोलने वाला हूँ नहीं मैं बताने वाला नहीं हूँ, वैसे आप बना सकते हो ठीक है, मतलब मजेदार बनाओ कुछ है ना, अपने आप बना लेते ठीक है। आगे बढ़ते सेकंड क्वार्टर में कोर्स, कोर्स फोर्थ क्वार्टर में पॉजिटिव होता है ठीक है, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट, जरा देखिए नेक्स्ट है आपका, एक और चीज देखिएगा और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है ठीक है, मतलब इसमें कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग वाली बात है नहीं वैसे, सही बताऊं तो मैथ्स चल रहा है, इंटर स्टार्ट होगा जब हमारा फिजिक्स स्टार्ट होगा ठीक है, पर ये सब चीजें आएंगी क्योंकि ये सब वेक्टर पे ऑपरेशन होने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और ये तो अभी मैथ्स पढ़ रहे हैं यार, ये मैथ्स तो बस ऐसा ही होता है ठीक है। देखिए लेकिन उसको समझ लीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा उसके साथ फिजिकल इंटरप्रिटेशन जोड़ने की, सो दैट आप उसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग बना पाए, क्योंकि आगे जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी आपको, लेकिन तो फिजिकली इनका क्या मतलब होता है उसकी जरूरत पड़ेगी। जरा देखिए एक और चीज है, ये मेरा एक्स है, मैं इसको इधर दिखा रहा हूं, ये एक्स कैप है, ये वाई कैप है और ये जेड कैप। अब जरा देखिएगा ध्यान से, मुझे एक स्मॉल लेंथ चल रहा है डीएल, मुझे स्मॉल लेंथ चल रहा है डीएल, और इस तरह चल रहा है कि मैं तीनों डायरेक्शन में छोटी छोटी डिस्टेंस कवर करूं, तो मैं डीएल को, अगर कार्टेशियन में डीएल डिस्टेंस मुझे कवर करनी हो तो मैं डीएल को बोलूंगा डी एक्स, तो चलाऊं मैं किधर, एक्स कैप की तरफ, डी वाई चलाऊं मैं वाई कैप की तरफ, और डी जेड चलाऊं मैं जेड कैप की तरफ, तो मैं डीएल लेंथ चलूंगा। डीएल का मतलब समझिए कार्टेशियन में क्या मतलब होता है, डीएल का मतलब है स्मॉल लेंथ, और अगर आप कार्टेशियन में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो तीनों कोऑर्डिनेट लगाओ ना, तभी तो जनरलाइज लेंथ बनेगी, जनरलाइज का तो तीनों डायरेक्शन में आएगी। जरा देखिए यहाँ पे दिखाऊंगा, जैसे दिखाऊंगा डीएल चला, डीएक्स चला एक्स में, तो यहाँ पे आ गया डीएक्स, बोर्ड में देखिए लिखने पे कम ध्यान दीजिए, ये आया डीएक्स, इधर से इधर चला तो कितना आया, ये डिस्टेंस कितनी आई डी वाई, और ऊपर इधर चलूंगा तो डी जेड, ये बनेगा डी जेड, तो ये जो लेंथ है मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या बनेगी, वो डीएल बनेगी। ये पॉइंट मान लीजिए पी ओ, पी पी वन पॉइंट था, और ये मान लीजिए पी टू पॉइंट है, तो पी वन और पी टू के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है मेरी डीएल। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं चला था भाई, पहले क्यों डीएक्स चला, एक्स क्यों चला, एक्स की तरफ क्यों चला मैं, पहले वाई फिर वाई और फिर जेड, ऐसा कोई सीक्वेंस थोड़ी ना जरूरी है। तो आप चलिए एक काम कीजिए, पहले वाई की तरफ चल दीजिए कितना डी वाई, और फिर एक्स की तरफ आ जाइए, फिर जेड में आ जाइए, एक ही बात है। फिर बोलेंगे कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं वाई की तरफ क्यों चले, पहले एक काम करते पहले जेड की तरफ चलो, जेड की तरफ चलो फिर किधर आओ, एक्स की तरफ, और फिर क्या दो, फिर वाई की तरफ आ जाओ, एक ही बात है। फिर कुछ लोग बोलेंगे नहीं पहले एक्स आओ फिर जेड आओ और फिर वाई आओ, फिर कुछ लोग बोलेंगे पहले जेड आओ फिर वाई आओ फिर एक्स आओ, कुछ लोग बोलेंगे पहले वाई आओ फिर जेड आओ और फिर एक्स आओ, है ना। तो पॉसिबल पाथ अगर मैं बनाऊं P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक पहुंच रहे हैं तो मेरे पास एक क्या बनेगा, एक क्यूबॉइड बनेगा, क्यूब तो तब बनेगा जब एक बराबर, एक क्यूबॉइड बनेगा, सही बात है। अगर मैं बोलूं कि इसके कितने सरफेस है, आप बताओ इसके कितने सरफेस है, छह सरफेस है ठीक है। अगर मैं नीचे वाले सरफेस का एरिया फाइंड करूं तो क्या आएगा dx into dy, और डायरेक्शन क्या आएगी इसकी डाउनवर्ड, इनसाइड टू आउट, क्लोज सरफेस है ना ये। अब कल वाली क्लास याद करो, क्लोज सरफेस में मैंने क्या बताया था, एरिया जो होगा वो अंदर से क्लोज्ड बन गए, क्लोज्ड बन गए, ये इस तरह का डब्बा बन गया ठीक है। तो एक नीचे वाला सरफेस है उसका एरिया नीचे की तरफ आएगा, लेकिन ये वाली लेंथ कितनी है dx, और ये वाली लेंथ कितनी है dy, तो इसका मतलब इसका एरिया आएगा नीचे की तरफ dx into dy और माइनस j कैप, ऊपर वाले का एरिया कितना आएगा
ऊपर रहेगा, ऊपर ऊपर की तरफ आएगा, एरिया सेम रहेगा, ये लेंथ है dx और ये लेंथ कितनी है dy, तो dx into dy z cap, ये वाला एरिया क्या आएगा, this is dy, this is dz, dz into dy क्या आया y cap, और ये क्या आएगा dz into dy minus y cap, ये y cap नहीं है, ये माइनस वाई कैप होगी, और एक फ्रंट वाला है, फ्रंट फेस, ये किधर आएगा एक्स कैप, और इधर वाला माइनस एक्स कैप, ये क्या बनेगा बता रही है, ये बनेगा डी वाई इंटू डी जे इंटू एक्स कैप, तो बाहर की तरफ आएगा, और इसके पीछे, तो अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ोगे तो जीरो नहीं बनेगा, है ना, सबको जोड़ोगे तो जीरो बनेगा, क्या कहते हो एरिया जीरो होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, टोटल एरिया अगर मैं सबको जोड़ूंगा तो बेसिकली क्या बनेगा, क्लोज्ड सरफेस का एरिया बनना चाहिए, लेकिन वो तो जीरो बन रहा है, गलत जवाब, जीरो नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि जब आप यहां पे इस सरफेस पे नीचे वाले सरफेस पे अगर आप निकालना चाहोगे क्या, अगर नीचे वाले सरफेस पे निकालना चाहोगे क्या चीज, एरिया अगर आप निकालोगे तो यहां पे जेड की वैल्यू अलग है और यहां पे जेड की वैल्यू क्या है, हालांकि एरिया बराबर है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है, तो जब आप जोड़ोगे तो डजंट मीन कि दोनों का सम जीरो आएगा, एरिया को इस तरह नहीं जोड़ेंगे हम, ठीक है, जोड़ते टाइम क्या करेंगे, अगर टोटल मुझे निकालना हो, अगर टोटल एरिया मुझे निकालना हो, टोटल नेट क्लोज सर्फेस एरिया, आप लिखिएगा क्लोज सर्फेस एरिया, क्लोज सर्फेस एरिया, अगर मैग्नीट्यूड वाइज में देखूं मुझे डायरेक्शन का नहीं पंगा लेना है, डायरेक्शन आप डिफाइन नहीं कर पाओगे क्लोज सरफेस एरिया की, क्यों भाई, डायरेक्शन ही डिफाइन कर पाओगे आप क्लोज सरफेस एरिया की, क्यों बताओ, ये क्लोज है, इसका सरफेस एरिया किधर आएगा, आप बोलोगे अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो ऊपर, यहां से देख रहा हूं तो इधर, यहां से देख रहा हूं इधर, यहां से देख रहा हूं इधर, तो फिक्स डायरेक्शन कहां है, नहीं समझे, डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर मैं ये ले लूं, अब बताओ डायरेक्शन किधर बताओगे, अब इसकी आप बोलोगे यहां पे देखोगे इधर, यहां पे देखोगे इधर, यहां पे देखोगे इधर, तो आप इसकी डायरेक्शन कैसे बताओगे, यहाँ के भी इसकी भी नहीं बता सकते, नहीं इसकी बता सकते हैं, कैसे, इसकी तो रेडियल या ऊपर है, ये डायरेक्शन भी रेडियल डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, सेंटर से बाहर की तरफ आना, तो यहां से बाहर की तरफ देखो परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये सेंटर से बाहर की तरफ नहीं है, इसका देखिए कौन सी डायरेक्शन है, रेडियल डायरेक्शन, इसका तो इसमें तो फिक्स है एरिया कितना, बट इसमें कौन सी डायरेक्शन है, एक्स वाई जेड है, इसमें इधर इधर है, इधर इधर है, इधर, आप इसमें डिफाइन नहीं कर सकते कभी, क्योंकि ये रेडियल डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, रेडियल डायरेक्शन तो या तो सिलेंड्रिकल में हो सकती है या फिर स्फेरिकल, क्योंकि उसमें रेडियस डिफाइन होती है ना, उसमें रेडियस डिफाइन होती है, तो उनमें रेडियल डायरेक्शन डिफाइन होती है, इसमें नहीं है डिफाइन रेडियल डायरेक्शन, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो टोटल मैग्नीट्यूड क्या आएगा, क्लोज सरफेस एरिया का क्या आएगा बताओ, इसका dx into dy, इसका भी dx into dy, तो टू टाइम्स ऑफ dx dy प्लस बोलिए इसका, इसका क्या बना dy dz, तो टू टाइम्स ऑफ dy dz प्लस, और सामने वाले का क्या है dz into x, ये आएगा टोटल एरिया, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई पंगा नहीं लेना है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन रेडियल नहीं बनेगी, इसमें तो कार्टेशियन है, कार्टेशियन में एक्स वाई जेड वेरी होते रहते हैं, जबकि सिलेंड्रिकल में या स्फेरिकल में भाई रेडियल फिक्स है, यहाँ पे रेडियल देखो इधर है, यहाँ पे रेडियल देखो इधर है, यहाँ पे रेडियल परपेंडिकुलर जो भी आएगी ना बाहर की तरफ वो रेडियल आएगी, उनमें फिक्स होती है, उनमें फिर एरिया बनेगा, उनमें टोटल बनेगा, इनमें अगर टोटल निकाल दो मैग्नीट्यूड निकालो, फिर डायरेक्शन निकालो, डायरेक्शन में तो जीरो बनेगा, फिर तो डायरेक्शन में तो जीरो बनेगा, अच्छा वॉल्यूम बताओ क्या आएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, स्मॉल क्यों बोल बताओ, वॉल्यूम क्या आएगा, डीएसडी वाई डीजे लेंथ ब्रेड हाइट, ठीक है, वॉल्यूम होता है हवा में कितनी जगह घेर रही, हवा में क्लोज है ना, क्लोज का ही वॉल्यूम होता है, याद रखो, अगर एक सर एक को मैं ओपन कर दूंगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी, उससे उसमें एयर चली जाएगी, एयर में जगह पर जीरो हो जाएगी, तो इनकी फिट जीरो ना सरफेस की प्लेन की, तो इसका मतलब पता है क्या होगा, वॉल्यूम क्या बनेगा, ये क्लोज है तो dx dy dz ये वॉल्यूम बनेगा, ये स्मॉल वॉल्यूम बनेगा dv, दिस इज माय dv, दिस इज माय dA, या ds लिख दो, दिस इज ds,
small surface area, and this is dy, dv, sorry. Volume vector nahi hota. Volume kya hota? Scalar. Scalar, ठीक है? तो मैंने बोला volume ये आएगा, volume ये आएगा. अब मुझे एक बात बताओ जरा ध्यान से देखना. अगर मैं ये x length ले लेता और ये length y ले लेता और ये height z ले लेता, इसका मतलब p1 point मेरा 0 0 0 है और p2 point कितना बता जरा? x y z. तो x में कितनी length चले हुआ? x, y में y और z में z length चले. तभी आप p2 point में पहुंचोगे. और अगर मैं all possible path cover कर लूँ तो उससे ये cuboid बनेगा. अगर मैं इसको पूरे का volume निकालना चाहूँ तो क्या निकालूँ? मुझे volume integral करना पड़ेगा, क्योंकि small volume देख लो क्या है, small volume देख लो क्या है. और फिर उसका क्या कर लो? उसका integral कर लो, लेकिन x के respect में भी, y के respect में भी और z के respect में भी. अब small volume कितना है मेरा? Small volume है dx, dy, dz. अब x कहाँ तक चेंज हो रहा है? 0 से x, y, 0 से y और z, 0 से z. अब निकाल के देखो क्या बना, x, y, z बनेगा. जरा देखें कैसे निकालेंगे. पहले x के respect में integrate करेंगे. तो x के respect में integrate करोगे तो y और z को क्या निकालो? बाहर निकालो. तो x के respect में देखो dx आएगा 0 to x, बाहर क्या आ गए? dy, dz. तो ये बाहर दो integration तो रहेंगे ना, 0 से y, उनसे थोड़े तो बाहर निकलेंगे, केवल x वाले से बाहर आ गए. तो क्या बनेगा इसका आंसर? x बन जाएगा. फिर y के respect में करो, उससे क्या आंसर आएगा? y. और फिर z के respect में करोगे तो z, x, y, z इसका volume आएगा. वही तो आप पढ़ते हो, length into breadth into height, वही तो होता volume. तो हमने वही small volume से निकाल दिया. अगर मुझे small volume पता है तो मैं पूरे cuboid का volume निकाल सकता हूँ. करना क्या है? बस integrate करना है x, y और z के respect में, ठीक है भाई? Integration क्यों करते हैं भाई? जब भी total निकालना होता है integration क्यों करते हैं? क्या ऐसा क्या होता है integration? Integration का मतलब ही accumulation होता है, accumulate करना, summation करना. जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं पैसे को integrate कर रहा हूँ, it means मैं accumulate कर रहा हूँ, मैं जोड़ रहा हूँ, समझ रहे हो? तो अगर मैं टोटल वॉल्यूम निकालूंगा तो मुझे स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा? अक्यूमुलेट करना पड़ेगा, तब जाके पूरा वॉल्यूम बनेगा. तो इसीलिए मैंने अक्यूमुलेशन किया, इंटीग्रेशन किया, और उसमें बोला कि x मेरा 0 से x तक होना चाहिए, y मेरा 0 से y तक होना चाहिए, z मेरा z हाइट और 0 से z तक होना चाहिए. समझ आया? तो ये आंसर आएगा, ये मेरे पास वॉल्यूम आया. और यही आप पढ़ते भी हो बचपन से, x y z, ठीक है? और डिवीजन भी वही आ रहा है. ये तो था कार्टेशियन की बात. और कार्टेशियन में याद रखते हैं डीएल क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है. अभी आगे आएगा डाइवर्जेंस कर्व ग्रेडिएंट में, उसमें हम यूज करेंगे. और मैंने बोला क्लोज्ड वॉल्यूम क्या होता है. अब आते हैं सिलेंड्रिकल में, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सिलेंड्रिकल आप लिखेगा स्मॉल लेंथ इन सिलेंड्रिकल. कार्टेशियन में मैंने बताया, अब सिलेंड्रिकल में देखते हैं. देखिए ये तो बड़ा आसान था, ये तो सबको पता भी होगा मेरे ख्याल से पहले से कि कार्टेशियन में लेंथ क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, स्मॉल वॉल्यूम. सिलेंड्रिकल में देखते हैं क्या होगा, वो इंटरेस्टिंग है. जरा देखिए सिलेंड्रिकल में देखिए, देखिए मेरा एक पॉइंट, ठीक है भाई, और इसके कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे हैं आर फाइव जेड. अब मैं डीएल लेंथ चला जाता हूं सिलेंड्रिकल में. कार्टेशियन में क्या चला था? डीएल, डीएल लेंथ, डीएल का मतलब है तीनों डायरेक्शन में छोटे छोटे चलो, डीएक्स, एक्स कैप, डीवाई, वाई कैप, डीजेड, जेड कैप, तीनों डायरेक्शन चल रहे. ऐसे ही अब मैं सिलेंड्रिकल में चला जाता हूँ स्मॉल लेंथ डीएल, तो मुझे तीन डायरेक्शन में चलना पड़ेगा. कौन कौन सी? आर कैप, फाई कैप एंड जेड कैप. तो जरा देखते हैं, चल के देखते, देखिए कैसे चले. ये आर तो पहले से था, अब बाहर की तरफ निकलो कितनी लेंथ, कितनी लेंथ? डी आर. तो मैं थोड़ा सा बाहर आ गया डी आर. तो डी एल को अगर मुझे लिख रहे हैं तो डी एल इक्वल टू डी आर आर कैप. रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन ये, इसको रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं, बाहर की तरफ. जैसे मेरा कोई सिलेंडर है तो सुनो, उसमें रेडियल डायरेक्शन किधर होगी? इसमें रेडियल डायरेक्शन किधर होगी? रेडियल का क्या लॉजिक होता है? स्फीयर में रेडियल किधर होगी और सिलेंडर में रेडियल किधर होगी, कैसे देखते हैं? जो मेरी सेंटर वाली एक्सिस है ना, सिलेंडर में तो एक्सिस होती है और स्फीयर में पॉइंट होता है,
सिलेंडर में पॉइंट होता है, ओरिजिन होता है सेंटर पे, इसका मिडिल वाला, जबकि सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर में एक्सिस होती है बीच में। अब उस एक्सिस से आप बाहर की तरफ आ जाओ, रेडियस बढ़ाओ, तो इसका आप बाहर निकलोगे ना, तो जो बाहर निकलोगे वो कौन सी डायरेक्शन आएगी, रेडियल डायरेक्शन। जबकि स्फीयर में क्या होगा, जो इसके अंदर वाला सेंटर है उससे रेडियस इंक्रीज करो, उससे रेडियस इंक्रीज करोगे तो चारों तरफ कर सकते हो ना इंक्रीज, मतलब होल डायरेक्शन में कर सकते हो ना, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, तो सारी क्या कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब जिधर आपकी रेडियस इंक्रीज हो रही है उधर चलना शुरू कर दो, वही कौन सी डायरेक्शन है, रेडियल डायरेक्शन। तो सिलेंडर में रेडियस इंक्रीज करोगे तो कैसे चलोगे बताओ, ऐसे चलोगे बाहर सिलेंडर में। स्फीयर में तो चारों तरफ चल सकते हो, सिलेंडर में चारों तरफ नहीं चल सकते हो, सिलेंडर में तो हॉरिजॉन्टली चलना पड़ेगा ना आपको, इधर इधर इधर, तभी तो रेडियस इंक्रीज होगी। तो रेडियल डायरेक्शन चेक करने का सिंपल एक साथ एक तरीका है, आप वो डायरेक्शन देखो जिस डायरेक्शन में रेडियस मेरी इंक्रीज हो रही है वही रेडियल डायरेक्शन होगी। तो आपकी रेडियस तो इधर भी इंक्रीज हो रही है, इधर भी इंक्रीज हो रही है, इधर भी इंक्रीज हो रही है, इधर भी, तो इसका ये सारी डायरेक्शन कौन सी है, इन सबको क्या बोलेंगे, रेडियल डायरेक्शन। जबकि स्फीयर में देखो, स्फीयर में हॉरिजॉन्टल नहीं चलना है सिर्फ, इधर भी तो रेडियस इंक्रीज हो रही है, इधर भी रेडियस इंक्रीज हो रही है, परपेंडिकुलर इसके किधर भी चल लो, चारों तरफ क्या हो रही है, आपकी रेडियस इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब सारी डायरेक्शन क्या बनेगी, बाहर की तरफ जो चलोगे हैं, जो भी आप बाहर की तरफ जा रहे हो चारों तरफ, वो कौन सी डायरेक्शन है, रेडियल डायरेक्शन। रेडियल का मतलब समझिए रेडियल कौन सी होती है, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में रेडियस इंक्रीज होती है, सीधी बात। तो मैंने बोला यहाँ पर रेडियल डायरेक्शन किधर आएगी, तब रेडियस इंक्रीज बाहर की तरफ नहीं होगा, सिलेंडर आएगी हॉरिजॉन्टल आना पड़ेगा, तो ये मेरा होगा डी आर। अब एक और डायरेक्शन में चल रहा है, क्या कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, फाइव। तो फाइव अब रेडियस कितनी हो चुकी है, अभी यहां आते आते आर प्लस डी आर हो चुकी है। अब मैं कितना एंगल घूमना चाहता हूँ फाइव डायरेक्शन में, स्मॉल एंगल चल रहा है ना मुझे, तो स्मॉल एंगल ना, तो मैं कितना एंगल घूमना चाहता हूँ, मैं डी फाइव एंगल घूमना चाहता हूँ, मैं डी फाइव एंगल उधर जाना चाहता हूँ। अब पता नहीं पीछे वाले लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ जी पीछे ही सही लग रहा है। तो मैंने बोला रेडियस में बाहर आ गया, पहले आर रेडियस थी, डी आर बाहर आ गया, तो आर प्लस डी आर होगी रेडियस। तो मैंने बोला डी आर चलाऊंगे आर कैप की तरफ, अब मुझे डी फाइव चलना है भाई फाइव डायरेक्शन में, बट उससे जो लेंथ कवर होगी वो क्या होगी, यहां से यहां तक अगर मैं डी फाइव लेंथ कवर करूं, अगर मैं डी फाइव उधर की तरफ घूम जाऊं, पहले यहां पे था, अब यहां से डी फाइव इधर घूम गया, तो आर की लेंथ क्या आएगी बताओ, आर की लेंथ आएगी, जो आर का आएगी उसकी लेंथ क्या आएगी, आर प्लस डी आर इंटू डी फाइव, और कौन सी डायरेक्शन में आएगी, फाइव है, क्योंकि मुझे तो लेंथ लिखनी है ना चारों तरफ, कौन कौन सी, मैं मुझे एंगल नहीं लिखना सिर्फ, कहीं आप यहाँ पे लिख दे डी फाइव फाइव है, और नहीं भाई वो तो एंगल लिख दिया आपने, और ये तो लेंथ है, तो लेंथ तो मीटर में होनी चाहिए, तो सारे किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, तो आर की लेंथ लिखनी पड़ेगी आपको, डी फाइव नहीं लिखना है, तो आप बताओ आर लेंथ क्या आएगी, आर प्लस डी आर इंटू डी फाइव, और कौन सी डायरेक्शन में, फाइव है। लेकिन जरा देखिए अगर मैं इसको खोलूंगा तो क्या बनेगा, आर डी फाइव प्लस डी आर डी फाइव है ना, और क्या आएगा, फाइव है। अब ये तो नेग्लिजिबल है कंपेयर टू दिस, क्या कहते हो, तो मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ डीएल में, जो फाइव वाला कंपोनेंट आएगा वो क्या लिखेंगे, आर डी फाइव फाइव, समझ आ गई, सिंपल डी फाइव फाइव कैप नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि वो तो सिर्फ एंगल होगा भाई, और हमें मीटर चाहिए, आर लेंथ चाहिए, हमें लेंथ चाहिए मीटर में डीएल, तो इसका मतलब अगर मैं इधर चलूंगा तो कितनी कितनी लेंथ आएगी, अप्रोक्सीमेटली क्या आएगी, आर डी फाइव, एक्चुअल में तो ये आनी चाहिए क्योंकि रेडियस आर प्लस डी आर हो चुकी है, तो आर प्लस डी आर इंटू डी फाइव फाइव कैप, क्योंकि मैं फाइव कैप की तरफ चल रहा हूँ, उधर टेंजेंशियल चल रहा हूँ। अब जरा देखिए तीसरा कौन सा रह गया, तीसरा हाइट जेड, तो जेड में कितना चलूंगा, जेड में तो ऊपर उठ जाओ, कितना डी जेड जेड कैप, तो ये बनेगा डीएल लेंथ, ये मेरी डीएल लेंथ बनेगी, कोई दिक्कत ना हो, और मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया, सही बात है। अब कुछ लोग बोलेंगे साहब ऐसे क्यों चले, पहले आप बाहर क्यों आए, पहले आप घूम जाते, तो चलो पहले आप घूम जाओ और फिर आप क्या बोलो, फिर आप हाइट लो और फिर आप बाहर की तरफ आओ, तो ऐसे बंदा कुछ लोग बोले पहले उठ जाओ फिर बाहर की तरफ आओ और फिर घूम जाओ, कुछ लोग बोले पहले बाहर आओ फिर ऊपर उठो और फिर घूम जाओ, आप समझ गए ना मेरा पॉइंट, तो क्या बनेगा इससे, इससे ऐसी शेप बनेगी, कुछ इस तरह की शेप बनेगी, जरा देखो मैं इसको बड़ा बना रहा हूं, इसे कुछ
कुछ इस तरह की शेप बनेगी, क्या कहते हो? इस डब्बे को निकाल लिया यार मैंने, यहां से शुरू किया था और एंड पॉइंट मेरा यहां पे है। पहले मैं डी आर चला, फिर ये लेंथ कितनी है, आर प्लस डी आर इंटू डी फाइव, क्योंकि एंगल डी फाइव मूव किया हूं ना मैं उधर, और ये लेंथ कितनी है, डी से। बट अप्रोक्सीमेटली मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आर डी फाइव। और ये लेंथ कितनी आएगी बाद भाई, ये आर यहां कितनी आएगी, ये भी आर, ये आर डी फाइव आएगी अप्रोक्सीमेट। हालांकि थोड़ी ज्यादा है उससे, क्योंकि यहां पे तो रेडियस आर है, यहां पे रेडियस आर नहीं है ना, यहां पे रेडियस क्या है, आर प्लस डी आर, जबकि यहां पे रेडियस क्या है, आर, और एंगल तो उतना ही घुमाऊं डी फाइव, ये आएगी आर डी फाइव, लेकिन ये क्या आएगी, आर प्लस डी आर इंटू डी फाइव, बट अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगी, ये भी आर डी फाइव। तो मैं कह सकता हूँ ये लेंथ सेम है, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, सारी लेंथ बराबर है हाइट वाली, और ये डी आर है, ये डी आर है, ये डी आर है, डी आर सही है। अगर मैं इसका स्मॉल वॉल्यूम पूछूं, स्मॉल वॉल्यूम बताइए क्या आएगा, इसका स्मॉल वॉल्यूम बताइए क्या आएगा, ये भी क्यूबॉइड ही है भाई, अंदर वाली साइड और बाहर वाली साइड बराबर है, हाइट ये बराबर है सारी की सारी, तो इसका क्या बनेगा, ये तीनों लेंथ मल्टीप्लाई कर दो, एक 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 लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, एक ब्रेथ को रिप्रेजेंट कर रही है, और एक हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, सही है। तो बताओ क्या बनेगा, आर डी आर डी फाइव डी जेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, आप डीएल याद रखो बस, डीएल से आपके डाइवर्जेंस कर्ल ग्रेडियंट सारे हो जाएंगे, लेकिन आपको डीवी भी याद रखना पड़ेगा, डीवी तो अपने आप याद रहेगा, मल्टीप्लाई कर दिया बस कॉम्पोनेंट, वो आएगा स्मॉल वॉल्यूम, वो मेरे पास स्मॉल वॉल्यूम आएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बाहर वाला जो कर्वेचर है, जो बाहर वाला कर्वेचर है, इसका एरिया बताओ क्या है, ये है आर डी फाइव और ये क्या है मेरा डी जेड, तो क्या एरिया आएगा, आर डी फाइव डी जेड। अगर मैं ऊपर वाले सरफेस का एरिया चाहूँ तो बताओ ऊपर वाले का एरिया क्या आएगा, इधर डी आर और इधर आर डी फाइव, तो डी आर इंटू आर डी फाइव, नीचे वाले का भी यही आएगा। अच्छा जो इसका एरिया है वही इसके बैक साइड वाला जो है उसका भी यही आएगा, साइड फेस का क्या आएगा, डी आर इंटू डी जे, उधर वाले का भी क्या आएगा, डी आर इंटू डी जे, समझ आ गई। तो ऐसे आप हर एक फेस का एरिया निकाल सकते हो, ठीक है, हर एक फेस का एरिया निकाल सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे स्मॉल वॉल्यूम पता है सिलेंडर का, सिलेंडर का मुझे स्मॉल वॉल्यूम पता है, तो अगर मुझे टोटल वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। अगर मुझे टोटल वॉल्यूम निकालना हो सिलेंडर का तो मैं इंटीग्रेट करूंगा, लेकिन इंटीग्रेट किस किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में, फाई के रेस्पेक्ट में, और अब मान लीजिए सिलेंडर है मेरा जिसकी रेडियस है आर, ऐसा सिलेंडर है जिसकी रेडियस है आर और हाइट है एच, उसका वॉल्यूम बताओ क्या आएगा, हवा में कितनी जगह घेर है मुझे वो बताना है, तो जीरो टू आर ये होगा, स्मॉल वॉल्यूम की फ्लोर स्मॉल वॉल्यूम को अक्यूमुलेट कर दो, लेकिन उसकी लिमिट क्या आएगी, रेडियस है जीरो टू आर, फाई पूरे सिलेंडर में फाई कितना होगा, जीरो टू टू पाई, फाई तो डिफॉल्ट है भाई, फाई तो हमेशा जीरो टू पाई रहेगा, अगर पूरा सिलेंडर है तो जीरो टू टू पाई। अब नेक्स्ट बताओ हाइट कितनी आएगी, जीरो टू एच, अब पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, किसी के रेस्पेक्ट में कर लो, आर के रेस्पेक्ट में करना है तो फाई और जेड को बाहर ले लो एक बार, तो बताओ फाई और जेड को बाहर लोगे तो डी फाई डी जेड बाहर आ जाएगा, और ये फाई और जेड का इंटीग्रेशन जीरो टू टू पाई और जीरो टू एच, लेकिन अंदर किसका इंडिकेशन रहेगा, आर डी आर, और आर की लिमिट क्या है बताओ, जीरो टू आर, तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर बाई टू, तो इसका आ गया आर स्क्वायर बाई टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बाहर लिख देता हूँ, आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो आर स्क्वायर बाई टू आएगा। अब बताइए जेड के रेस्पेक्ट में दीजिए तो फाई को बाहर ले लो, डी फाई को बाहर आ गया और जीरो टू टू फाई, और जेड के रेस्पेक्ट में ले लो जीरो टू एच, बताओ क्या आएगा आंसर, और बाहर है आर स्क्वायर बाई टू। अब जेड के रेस्पेक्ट में लोगे तो क्या आएगा, एच आंसर आएगा ना, डी जेड का इंडिकेट करोगे तो जेड आएगा, फिर जेड की लिमिट डालो ऊपर वाली, एच एच आएगा, और इससे क्या आएगा टू पाई, इससे आएगा टू पाई, तो बता क्या बनेगा, ये बनेगा आर स्क्वायर बाई टू इंटू एच इंटू टू पाई, टू से टू कट गया तो क्या बना पाई आर स्क्वायर एच, इसका हमने बिल्कुल सही निकाला डिग्री, यही तो होता है वॉल्यूम, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, आप याद करो, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ये
पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है। अगर मुझे कर्व सर्फेस का एरिया निकालना होता तो मैं क्या करता, अगर सिर्फ कर्व सर्फेस का एरिया निकालना होता तो क्या करता, देखो ये रहा कर्व सर्फेस, इसका स्मॉल एरिया कितना है, आर डी आर डी जेड आर ओ सॉरी आर डी फाई आर डी फाई इंटू डी जेड, ये इस कर्व सर्फेस का स्मॉल एरिया है और मुझे तो पूरे का सही एरिया, पूरे कर्व सर्फेस का एरिया चाहिए, तो इसको क्या कर दो इंटीग्रेट, पूरे कर्व सर्फेस में फाई कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, जीरो से टू पाई, और जेड कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, जीरो टू एच, तो आर बाहर आ जाएगा क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है ही नहीं, आर बाहर आ गया, जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो एच आएगा और फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो टू पाई आएगा, तो क्या आंसर आया, टू पाई आर एच, ये क्या होता है, किसका एरिया होता है, कर्व सर्फेस का, ये कर्व सरफेस का एरिया होता है। अब आप बताइए ऊपर वाले का एरिया क्या आएगा, ऊपर वाले का एरिया, अब आप बोलोगे पाई आर, ये सर्कल है सर तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन अगर मैं यहां से निकाल रहा भी स्मॉल एरिया ले लो ऊपर वाला और उसमें लिमिट लगा दो तो सभी वही आना चाहिए, चेक करके देखें क्या, चलिए चेक करके देखते हैं, ऊपर वाले का एरिया बताओ, ऊपर वाले सरफेस का एरिया बताओ क्या आएगा, ये है डी आर, याद है ना, इसका एरिया जी ना सिर्फ इस सरफेस का dr into r d phi, तो dr into r d phi कर लो और बताओ उसको इंटीग्रेट करो, dr into r d phi, dr into r d phi, देखो भाई ये था dr और ये था r d phi और इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक, phi 0 से लेके 2 pi तक और r 0 से लेके r तक, बताओ क्या बनेगा, पहले तो r के रेस्पेक्ट में ले लो r square by 2, ये तो ये आ गया और अंदर फिर phi के रेस्पेक्ट में क्या बताओ 2 pi और 2 से 2 कट गया, क्या आया पाई आर स्क्वायर, ये तो सर्कल का एरिया ही आ गया, समझ आया, ऊपर वाले का आ गया तो नीचे वाले का भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, अब टोटल अगर मैं क्लोज्ड सरफेस एरिया निकालूं तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, तो क्या आएगा 2 पाई आर इनटू आर प्लस, समझ आया, ये मेरे स्फीयर सिलेंडर का क्लोज्ड सरफेस एरिया होगा और स्मॉल वॉल्यूम देखो कैसे निकाला हमने, वॉल्यूम से फिर ओवरऑल वॉल्यूम निकाल दिया हमने, समझ आएगा मेरा पॉइंट, ठीक है, ये ट्रिपल इंटीग्रल दिक्कत तो नहीं दे रहा किसी को, ये बड़ा आसान होता है यार, एक बार ही एक केस में जैसे डिफरेंशिएट नहीं करते हो, वही तो मतलब है, एक बार किसी एक बार के एक केस में इंटीग्रेट कर लो, क्योंकि ये तीनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है इसलिए ऐसा कर पा रहे हो, अगर ये डिपेंडेंट होते मुसीबत हो जाती इंटीग्रेट करना, फिर आप बाहर नहीं निकाल सकते थे इसको, पहले आप आर के रेस्पेक्ट में ले रहे थे तो आप डी फाई डी जेड को बाहर ले रहे थे, वो इसलिए ले रहे थे बिकॉज वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, अगर फाई आर पे डिपेंड करता फिर ऐसा ना होता, फिर आप बाहर ना निकाल पाते आर वाली इंटीग्रेशन से फाई, क्योंकि फाई आर पे डिपेंड कर रहे हैं, तो वो चीज आप देखेंगे आगे, वो हम आगे देखेंगे, बट मुझे ये बताओ कि डीएल, समझ आया डीएल कैसे निकालते हैं, और ये जो बाहर जो डब्बा सा बना है स्मॉल वॉल्यूम इससे जो निकलेगा वो कैसे निकला मेरा, क्लियर हुआ, और स्मॉल वॉल्यूम से मैं पूरा वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, और ये डीएल से जो कंपोनेंट है मेरे उनसे मैं सरफेसेस का एरिया निकाल सकता हूँ, कैसे, अगर देखो ये वाला सरफेस है किससे बना हुआ बताओ, डी जेड और आर डी फाई, वो निकाल लो उनसे मल्टीप्लाई कर दो उससे स्मॉल एरिया आ जाएगा कर्व सरफेस का, और फिर पूरे कर्व का सरफेस का एरिया निकाल दो, फिर ऐसे ऊपर वाले सरफेस का एरिया निकाल दो स्मॉल एरिया, फिर उसको इंटीग्रेट कर दो, ऐसे नीचे है तो फिर टोटल निकाल दो, समझ आएगा मेरा पॉइंट, हाँ जी हाँ जी, क्या कह रहे हो फिर से बोलो एक बार, मैंने जो जो कार्ड पार्ट ये वाला, इसमें मैंने बोला कि इसका जो एक्चुअल लेंथ आएगी वो आएगी आर प्लस डी आर इंटू डी फाई, फिर मैंने बोला कि आर डी फाई प्लस डी आर डी फाई ये बनेगा, तो r d5 plus dr d5, आप जरा देखो यहाँ पे d5 very small है, tending to zero, अब यहाँ पे तो दो small आ गए ना, तो दो small आ गए तो उसको neglect कर सकता हूँ मैं इसे का version, हाँ मैंने बोला जरा देखो, मैंने इसलिए बोला, मैंने बोला जरा देखो, ये length और ये length, ये तीन को length है, अब आप बोलोगे नहीं सर अंदर अलग length है बाहर अलग length है, तो cuboid नहीं है, आप बोलोगे cuboid नहीं, मैं बोलूँगा cuboid ही है, कैसे जरा देखो, बाहर वाली लेंथ अप्रोक्सीमेटली आर डी फाई है, अंदर वाली लेंथ भी अप्रोक्सीमेटली क्या है आर डी फाई, फिर आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन नहीं है, अब मैं बोलूंगा इतना छोटा है ये आर डी फाई, डी फाई वेरी स्मॉल है, इतना छोटा है कि असल में सर्कल का पार्ट देखा जाए तो
असल में सर्कल का पार्ट है, लेकिन सर्कल में अगर मैं फाई को बहुत छोटा ले लूंगा तो मुझे क्या नजर आएगी, बोले बहुत छोटी नजर आएगी, समझ रहे हो? तो स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है और ये भी स्ट्रेट है। आई होप आपको क्लियर हो, ठीक है। हाँ जी, और कोई डाउट किसी को, किसी को डाउट है भाई? तो स्मॉल वॉल्यूम निकल आया, अब ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपको, मैं पहले बता रहा हूँ, ये डाइवर्जेंस कर्ल ग्रेडियंट उसमें यूज होगा, अभी निकालना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो सुनिए भाई, आज का टाइम हो गया मेरे ख्याल से ना, आप सुनो नेक्स्ट क्लास कब है। एक तो ये वाली जो कंटिन्यूटी इसकी जो चलेगी वो आपकी चलेगी शनिवार को सेम टाइम, ठीक है। लेकिन फ्राइडे को, जो कमिंग फ्राइडे आ रहा है, उस दिन भी आप सब लोगों को आ रहे हैं, उसमें ट्रांसमिशन लाइन शुरू करेंगे। वो जो चैप्टर है उसका इन सब चीजों के साथ कोई लेना देना नहीं, उसमें करंट डाइवर्जन ग्रेडिएंट नहीं आते, ठीक है। उसमें तो केवीएल केसीएल से चलेगा, केवीएल केसीएल सबको थोड़ा बड़ा पता ही होता है, थोड़ा बड़े पता है तो चल जाएगा, ठीक है। वो बाकी मैं बता दूंगा, तो ट्रांसमिशन लाइन से शुरू करेंगे फ्राइडे को 5:15 से 5:20 तक, ठीक है, 5:15 से लेके और 7:30 तक करेंगे, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट होगी, तो ईएमएफटी दो हिस्सों में चलेगी, इलेक्ट्रिकल वाले को भी लगाना है, बता दूं क्यों, बिकॉज आप थोड़ी देर में पावर सिस्टम पढ़ने वाले हो, और पावर सिस्टम में आपका ट्रांसमिशन लाइन की डीप स्टडी करोगे आप, देख रहे हैं वो पावर सिस्टम में किसी भी बुक में ऐसे नहीं लिखा होगा, ऊपर ऊपर से पढ़ा के सब लोग निकाल देते हैं। लेकिन जब आप ईएमएफटी वाला पोर्शन पढ़ोगे ट्रांसमिशन लाइन का, तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि वो पावर सिस्टम में क्या मीनिंग डालता है, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब लोगों को लगाना है ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल वाले अभी सुबह ये आते नहीं, कुछ लोगों को मैंने पहले करवा दिया था, मेरे ख्याल से पिछले साल जो मैच के स्टूडेंट थे उनको पहले करवा दिया था, तो वो लोग नहीं आ रहे, बट वो ट्रांसमिशन लाइन जरूर लगाएंगे वो लोग, तो आप उस दिन टाइम से आए भाई, ठीक है, फिर आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, शनिवार को फिर से इसी की कोऑर्डिनेटिंग में हम आगे करेंगे, ठीक है। शनिवार को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग करेंगे, ठीक है। आई होप आपको सिलेंड्रिकल समझ आया।